चलो चालू करें बेटा, जिसमें और लोग ज्वाइन करते रहेंगे बीच में। यस सर। तो ऐसा है कि दिस पर्टिकुलर लेक्चर अपॉन द कलर पिगमेंट, बट ओनली अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक। द ऑर्गेनिक पिगमेंट्स आर डिफरेंट एंड द इनऑर्गेनिक, यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। द इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स आर वेरी लिमिटेड इन नंबर, बट ऑफ कोर्स दे आर वेरी, यू कैन से, ड्यूरेबल पिगमेंट। There is no confusion with the organic pigment in this respect. Their durability, their resistance, their performance. The only thing that they lack is the color, the brightness of the color, and the tinting distance. केवल ये दो property ऐसी होती हैं जो इसमें कमजोर होती हैं। Otherwise, organic pigments में काफी अच्छे pigment होते हैं, durability वगैरह पे देखा जाए तो। अगर heat resistance लेना है, अल्कली रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस वगैरह लेना है तो। एक चीज और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, केवल हम लोग वो कलर पिगमेंट्स पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक कैटेगरी के अंदर जो रेगुलर तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अर्थात ये स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक पिगमेंट नहीं है। आपके कोर्स में ये नहीं है, ये आपके थर्ड ईयर में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एंटी कोरोसिव पिगमेंट, almost all the anti-corrosive pigment are inorganic, but that you are not going to study here. Similarly, anti-falling pigment, वो भी आप लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इसी प्रकार special effect pigment, जैसे pearlescent pigment, कुछ ऐसे pigment जो कि pearl की तरीके से, मोती की तरीके से दिखलाई पड़ते हैं, ये pigment की category भी inorganic के अंतर्गत ज्यादातर है, जो कि आप लोग यहाँ पर इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम लोग ये regular pigments हैं, जो general जो paint हमारे बनते हैं उसके अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिए, जैसे पेंट कोई भी बनाया जाता है तो उसमें तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो क्वांटिटी वाइज ज्यादा डाले जाते हैं, जो मेजर कंपोनेंट होते हैं किसी भी पेंट के। एक हो गया आपका पिगमेंट जो 30 से 40% करीब पड़ता है, दूसरा आपका बाइंडर हो गया, रेजिन हो गया या पॉलीमर हो गया, जो कि आपका 30 से 40% होता है। इसी प्रकार आपका सॉल्वेंट होता है, थिनर कह लीजिए, सॉल्वेंट कह लीजिए, वो भी आपका 30 से 40% होता है। और इसके अलावा 4 से 5% जो है आपके एडिटिव पड़ते हैं। तो अगर कुल मिलाकर के देखेंगे तो पिगमेंट का एक अहम रोल होता है। उसमें भी आपको पता होगा, जब कोटिंग सूखती है तो सॉल्वेंट और थिनर जो कि आपका 30% की क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, वो 30 से 40% क्वांटिटी सरफेस से निकल जाती है। तो आप सरफेस में बचा क्या, आपका बाइंडर बचता है, पिगमेंट बचता है और एडिटिव बचता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका पिगमेंट परसेंटेज जा करके 40% के आसपास हो जाता है, और इस प्रकार बाइंडर का भी परसेंट आपका 40-45% हो जाता है। तो हमारा ये कहने का बेसिक पर्पज है कि एक पिगमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी कोटिंग के अंतर्गत। ये कोटिंग की बहुत सारी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि इनऑर्गेनिक कलर पिगमेंट में हमारे पास कौन कौन से पिगमेंट है। ये देखिए, जो मेजर कैटेगरी हमारी है, जो कि ग्रुप वाइज इसको बांटा हुआ है, और कुछ में ग्रुप नहीं है तो उसको वैसे लिखा हुआ है। जैसे ऑक्साइड पिगमेंट, ऑक्साइड में आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, और आयरन के ऑक्साइड्स में आपके नेचुरल हो गए और सिंथेटिक हो गए रेड कलर में मिल जाते हैं आपको, येलो में भी आपके नेचुरल और सिंथेटिक मिलते हैं, ब्लैक में भी आपको नेचुरल एंड सिंथेटिक मिलते हैं। यद्यपि ब्लैक का डिस्कशन हम लोगों ने ब्लैक पिगमेंट के में किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगा। और ऑक्साइड में ही एक कैटेगरी होती है क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन, इसमें आयरन नहीं होता है, इसमें क्रोमियम होता है। दूसरे ग्रुप में आपका है क्रोमेट्स ग्रुप का, क्रोमेट्स ग्रुप में आपके लेड क्रोमेट्स पिगमेंट है। यद्यपि देखिए इसमें लेड है और ये थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर में होता है, लेकिन अभी इसका कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं है। बहुत सारी कंट्री में ये लेड बेस्ड पिगमेंट बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी अपने यहाँ ये थोड़े चल रहे हैं। थोड़े समय तक के लिए इसको सरकारी मान्यता है, लेकिन धीरे धीरे हमें भी इसमें चेंज करना पड़ेगा और इसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन कुछ जगहों पर आज भी इस पर रिस्ट्रिक्शन है, जहां पर हम लोग ये लेड बेस्ड पिगमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज बता दें, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक पिगमेंट में ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है, लेकिन लेड बेस्ड पिगमेंट ये वो इनऑर्गेनिक पिगमेंट है जिसकी ब्राइटनेस आप देख करके कहेंगे कि ये ब्राइटनेस तो ऑर्गेनिक पिगमेंट से कमजोर नहीं है किसी भी तरीके से। तो एक लेड बेस्ड जो पिगमेंट होते हैं ये बहुत ब्राइट होते हैं, इसको खाली कलर देख करके आप ये अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि ये आपके इनऑर्गेनिक पिगमेंट होंगे।
इसके अंतर्गत हमारे पास पांच शेड है, थोड़ा सा कंपोजिशन बेस पर ये पांच अलग अलग शेड मिलते हैं। प्रिमरोज होता है, लेमन होता है, मिडिल होता है, ऑरेंज होता है, स्कारलेट होता है। इसी में एक कैटेगरी हमारी फिर क्रोमेट में आ जाती है, क्रोम ग्रीन पिगमेंट। ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसमें हम आगे चल करके बताएंगे। दिस इज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ येलो एंड ब्लू। आपको पता होगा पीला और नीला मिल करके ग्रीन कलर डेवलप होता है, तो क्रोम ग्रीन हमें मिलता है। इस क्रोम में से हम मिडिल क्रोम या लेमन क्रोम लेकर के उसके अंदर आयरन ब्लू बनाते हैं। ये जो फेरी फेरोसाइनाइड जो है, जो आयरन ब्लू भी कहलाता है, ये आयरन ब्लू इस येलो के साथ मिला करके हम ये क्रोम ग्रीन डेवलप करते हैं। इसका डिटेल आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कैडमियम पिगमेंट्स। कैडमियम पिगमेंट्स भी इसी की तरीके से, लेड क्रोम की तरीके से ही, इसमें भी काफी विविडनेस है, काफी वैरायटी के ये पिगमेंट आपके होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है फेरी फेरोसाइनाइड आयरन ब्लू। ये नीले रंग का आपका पिगमेंट होता है और पेपर वगैरह पर नीला कलर होता है, वो इसी से मिलता है आपको। बहुत फाइन पिगमेंट होते हैं ये भी, काफी ब्राइट और अच्छे पिगमेंट है। कुछ विशेष प्रॉपर्टी है इसकी जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्ट्रामेरिन ब्लू, अल्ट्रामेरिन ब्लू जिसको कि हम लोग नील भी कहते हैं, जो कपड़ों वगैरह में आप नील डालते हैं, वो ये पिगमेंट होता है अल्ट्रामेरिन ब्लू। ये लिक्विड नील के साथ इसे कंपेयर ना करिएगा। किसी जमाने में जो नील आती थी पाउडर फॉर्म में, उस नील के साथ आप इसको कंपेयर करिएगा तो ये अल्ट्रामेरिन ब्लू भी काफी अच्छा पिगमेंट है, लेकिन इसका स्पेसिफिक इस्तेमाल है। नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड पिगमेंट। आयरन ऑक्साइड में हमने बताया कि येलो, रेड और ब्लैक, इन तीनों में नेचुरल भी होते हैं और तीनों में सिंथेटिक होते हैं। तो देखिए आयरन ऑक्साइड रेड में हमारे पास कौन कौन से पिगमेंट हैं, और जो नेचुरल जो होते हैं इनको हम अर्थ पिगमेंट भी कहते हैं, अर्थात ये जमीन से निकाले जाते हैं, माइन से ये निकलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक अर्थ पिगमेंट। द कंपोजिशन आयरन विथ ऑक्सीजन Fe2O3, नेचर से मिलता है तो नेचुरली आयरन के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ होगा इसके अंतर्गत। इट इज एन इनएक्सपेंसिव ड्यूरेबल पिगमेंट्स इन पेंट एंड कोटिंग कलर्स। देखिए इनएक्सपेंसिव काफी सस्ते होते हैं ये, और ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसके अंतर्गत। अर्थ में रेड, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक, ये रेंज आपके अवेलेबल है, जिसमें मेजर आपके रेड, येलो और ब्लैक होते हैं। ऑरेंज और ब्राउन तो इन्हीं के मिक्सचर से मिल जाते हैं हम लोगों को। जैसे ये अकॉर्डिंग टू द आयरन कंपोजिशन, फोर टाइप्स ऑफ नेचुरल आयरन ऑक्साइड। नेचुरल आयरन ऑक्साइड जो होते हैं ये चार तरीके से, चार ओर के रूप में मिलते हैं, जैसे हेमेटाइट ओर, लिमोनाइट ओर, साइट्राइट एंड मैग्नेटाइट ओर। अगर आप इन सबों में देखेंगे तो हेमेटाइट जो होता है ये बेसिकली Fe2O3 का इसमें परसेंटेज अच्छा होता है, अर्थात इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, 50% आयरन होता है। कलर मेटलिक ग्रे होता है, डल टू ब्राइट रेड, ये ओर यहाँ पर यहाँ दिखलाया हुआ है। और इसके बाद से कैटेगरी क्रिस्टलाइन इन रोम्बोहेड्रल, दैट इज पर्शियन गल्फ। एक पर्शिया से एक पिगमेंट आता है रेड ऑक्साइड, जिसमें परसेंटेज इसकी आयरन कंटेंट इसमें काफी हैवी हो जाता है, 72%। ये नेचुरल में आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज है, सिंथेटिक में आयरन ऑक्साइड आप देखेंगे तो 94-95+ होता है उसके सिंथेटिक के अंदर, लेकिन नेचुरल में हमारे पास इतनी पिगमेंट होते हैं। इसका एक और हम आपको एग्जाम्पल बताएं, जब भी कहीं आप दुकानों पर जाते हैं, किसी हार्डवेयर के शॉप के ऊपर पेंट वगैरह खरीदते हैं, तो कई बार आप पाउडर भी खरीदते हैं, तो पाउडर में वो आपको कुछ सफ़ेद पाउडर आपको देता है, जैसे चाइना क्ले वगैरह के या मिट्टी विट्टी टाइप के, वाइटिंग वगैरह टाइप के, और कभी कभी आपको अर्थ पिगमेंट के रूप में पॉलिश करने के लिए या एक कलर देने के लिए आप उसे येलो आकर मानते हैं या नेचुरल रेड ऑक्साइड मांगते हैं, तो वो रेड ऑक्साइड में आपको ये वाला पिगमेंट देता है। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल प्राइमर में होता है। ये इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये इसका कलर दे रखा है रेड ऑक्साइड का। दूसरा जो ओर होता है वो लिमोनाइट होता है। देखिए उस ओर में आपका Fe2O3 की परसेंटेज थी, केवल Fe2O3 एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल नहीं था, इसके अंदर एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल होता है जो N की वैल्यू 0.5 से 4 तक होता है। लिमोनाइट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को, याद करने के लिए भी आपको सुविधा रहेगा। लिमो को आप लेमन से समझ सकते हैं, अर्थात इसमें वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसमें हल्का सा पीलापन आ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा येलो ऑक्साइड जो होता है वो Fe2O3H2O होता है, तो H2O की प्रेजेंस की वजह से हल्का सा पीलापन आ जाता है। वेरियस शेड ऑफ ब्राउन एंड येलो कलर के आपको मिलते हैं, डिपेंड करता है कितना परसेंटेज आपका वाटर का है इसके अंतर्गत।
एमार्फस कैटेगरी होती है, येलो आकर भी इसको कहते हैं जिसमें 50% होता है, सियाना भी इसको कहा जाता है इसमें भी 50% होता है, अलग अलग जगहों पर रहता है। येलो आकर अपने इंडिया में काफ़ी होता है, सियाना जो है इटली में होता है, अम्बर भी इसे बोलते हैं जिसमें 50% Fe2O3 होता है, ये साइप्रस से है। और इन्हीं को जला करके, क्योंकि इसमें आपके पास एक सुविधा है या एक स्कोप है कि आप इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें जो केमिकली कंबाइंड है, तो ये आपका येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा या ब्राउन से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको निकालते हैं तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि बॉन्ड सियाना, अर्थात ये सियाना जो है, सियाना मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, तो अगर जब इसको जला देंगे तो ये रेडिश ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार बॉन्ड अम्बर अगर कैल्साइन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, से फॉर एग्जाम्पल 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी आपका डीप ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो इसमें एक स्कोप होता है कि जो लिमोनाइट या येलो कलर के जो अर्थ पिगमेंट होते हैं उनको हम लोग कैल्साइन करके रेड या ब्राउन में कन्वर्ट कर लें। इस पर साइड राइट ओर है जो कि Fe3CO का परसेंटेज इसमें ठीक होता है, इसमें 40% आयरन होता है, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, इसमें कार्बोनेट मिनरल्स होता है, इसको भी जब आप जला देंगे तो Fe2O3 आपको इससे भी मिल जाता है। और पांचवा आपका है मैग्नेटाइट और लोड स्टोन। देखिएगा जैसा कि इसका नाम है मैग्नेटाइट, ये जो ओर होता है ये नेचुरल फेरेसोफेरिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का ये ओर है, इसमें इसकी परसेंटेज है। फेरिक ऑक्साइड या फेरेसोफेरिक ऑक्साइड आपको पता होगा ये मैग्नेटिक होता है नेचर के अंतर्गत, तो ये एक पिगमेंट मैग्नेटिक होता है जो ब्लैक कलर का होता है और ग्रे और ब्राउन में भी मिल जाता है, क्योंकि नेचर से मिलता है इसलिए बहुत प्योरिटी नहीं होती है, 40% 50% केवल आयरन होता है, इस वजह से ये हल्का सा ब्राउनिश या ग्रे स्टोन में भी होता है, दूसरी और भी बहुत सारे मिनरल्स इसके साथ मिले रहते हैं और ये ब्लैक कलर का होता है जैसे हमने आपको बताया। इसी एक कैटेगरी हमारी और होती है माइकेशियस आयरन ऑक्साइड, ये भी हमें नेचर से प्राप्त होता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइका की तरीके का स्ट्रक्चर होता है या लेमिलर स्ट्रक्चर होता है। मैग्नेटाइट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हेमेटाइट, हेमेटाइट हमने ऊपर बताया था यही मैग्नेटाइट है। Fe3O4 में ये फेरस है यहाँ पर स्टेज, अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो और ऑक्साइड करें तो ये भी फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है फेरस भी, बिकॉज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ आयरन एंड फेरस ऑक्साइड FeO इज नॉट अ स्टेबल स्टेट, तो इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट टू Fe2O3। तो हाउ विल इट कन्वर्ट? इट विल कन्वर्ट व्हेन इट इज रोस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल कन्वर्ट टू Fe2O3। तो ये आपको Fe2O3 के रूप में मिल जाता है अगर आप इसको जलाते हैं या कैल्साइन करते हैं हाई टेम्परेचर पर 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसको भी आप रेड में चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो देखिएगा डेंसिटी जो है, डेंसिटी सियाना अंबर, यहाँ पर देखिए हमने इसी ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है रेड ऑक्साइड, सियाना अंबर जो है ये आपके येलो आकर के हैं, इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसकी डेंसिटी जो है थोड़ी सी कम होती है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो ये हमने लिखा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी से ये कम होती है। जैसे रेड ऑक्साइड अगर Fe2O3 कर लेंगे तो 4.35 होती है नेचुरल रेड ऑक्साइड का, और वहीं जो अर्थ पिगमेंट है येलो आकर का 2.72 है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल मिला हुआ है, और ये येलो आकर के ये दूसरे आपके हैं जो रा हो गए और ये बॉन्ड हो गए, ये रा हो गया ये कैल्साइन हो, कैल्सिनेशन के बाद से देखिए इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती है, अर्थात इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह चेंज हो जाती है, बदल जाती है, हाई हो जाती है। आयल एडजॉर्प्शन वैल्यू, इन सबों की आयल एडजॉर्प्शन वैल्यू काफ़ी लो स्टेज पर होती है, 16 से 36, और रा वगैरह की यहाँ पर भी देखिए 13 से 32 है आयल एडजॉर्प्शन वैल्यू इसकी, ठीक है, बहुत हाई भी नहीं है, ठीक है, तो लोडिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं। कलर ऑक्साइड कंटेंट Fe2O3 कंटेंट रेड ऑक्साइड के अंदर 74% तक आप जा सकते हैं अगर पर्शियन गल्फ लेते हैं तो, और ये आकर के अंदर आपका 19% भी ये लो रेड आयरन ऑक्साइड होता तक है Fe2O3। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वेरिएशन बहुत है, नेचुरल पिगमेंट है, अर्थ पिगमेंट है, Fe2O3 कंटेंट का वेरिएशन बहुत है, 15-20% से लगाए ये आपका 74-75% तक आयरन ऑक्साइड जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आयरन ऑक्साइड आपका बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें ब्राइटनेस बढ़ती है, वैसे वैसे इस कलर की हाइडिंग अच्छी होती चली जाती है। दूसरी प्रॉपर्टीज में दीज आर द नॉन रिएक्टिव, इस सॉल्वेंट के साथ नॉन रिएक्टिव होते हैं।
अल्कली रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, ब्लीडिंग बहुत अच्छी होती है, सॉरी ब्लीडिंग नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है ब्लीडिंग। अल्कली रेजिस्टेंस पर एक चीज हमें ध्यान आ रही है जो हम यहाँ पर बता दें, इसका अल्कली रेजिस्टेंस इतना अच्छा होता है कि आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा कि जो सीमेंट आती है, एक तो ग्रे सीमेंट होती है, एक व्हाइट सीमेंट होती है, एक बीच में और आ रही थी, अभी हमें अंदाज नहीं है कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है, कि रेड सीमेंट भी आती है। उस रेड सीमेंट के अंदर हम लोग इसी रिडॉक्साइड को मिल जाते हैं, अर्थात आपको पता होगा सीमेंट की अल्कलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये इतना अच्छा अल्कली पिगमेंट होता है, अल्कली रेजिस्टेंस पिगमेंट होता है कि इसको सीमेंट के साथ मिला करके आप फर्श वगैरह में या किसी भी सरफेस पर आप लगा दीजिएगा तो परमानेंट एक रेड कलर आपको दिखलाई पड़ेगा, और एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी इतनी जबरदस्त होती है कि वो रेड कलर कभी चेंज नहीं होता, कभी फेड नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, आयरन एब्जॉर्प्शन इसका ठीक है, हाइडिंग पावर इसकी बहुत ही अच्छी है, अभी अब आपको दिखलाएंगे हाइडिंग पावर टिटेनियम डाइऑक्साइड से 3 गुना ज्यादा है इसकी हाइडिंग पावर, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग प्राइमर में भी बहुत अच्छा करते हैं और बाहरी सरफेस के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। आउटस्टैंडिंग लाइट फास्टनेस होती है, जैसे हमने बताया एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। ये कुछ पिगमेंट बनाने के ये कारखाने वगैरह दे रखे हैं किस तरीके से ये पिगमेंट बनता है। एप्लीकेशन एंड मेलन रीजन टू यूज आउटस्टैंडिंग स्टेबिलिटी यूवी मॉइस्चर केमिकल अल्कली एसिड रेजिस्टेंस इसका बहुत अच्छा तो नहीं होता लेकिन वीक एसिड जैसे एस्टिक एसिड वगैरह ले लें तो उसका रेजिस्टेंस है, लेकिन वीक अगर सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेंगे तो ये धीरे धीरे उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। सॉल्वेंट रेजिस्टेंस अच्छा होता है, आयल रेजिस्टेंस, रेजिन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इसके जैसे हमने आपको बताया कि थ्री टाइम्स मोर इसके अंदर हाइडिंग पावर होती है टिटेनियम डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में इसकी। एक्सेलेंट ड्यूरेबिलिटी इन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एप्लीकेशन ड्यू टू नॉन टॉक्सिक नेचर, ये टॉक्सिक नहीं होता है, इट कैन बी यूज ऑन द चाइल्ड टॉयज, ये भी इसका एक अच्छा गुण होता है। हीट रेजिस्टेंस 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से हीट रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जैसे कि फेरोसोफेरिक ऑक्साइड या लिमोनाइट येलो आकर जो आपके नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे क्योंकि इसमें H2O मिला हुआ है, उसमें फेरस है, तो ये दोनों ही जब गर्म करेंगे तो दोनों का ही कलर चेंज हो जाएगा, तो लेमन का जो लिमोनाइट है या येलो आकर वगैरह इनके कलर चेंज हो जाएंगे तो ये रेडिश कलर में आ जाएंगे। अल्कली रेजिस्टेंस अच्छा होता है, कंक्रीट में इस्तेमाल करते हमने बताया, ब्लीडिंग नहीं होती है, प्रोवाइडेड हार्ड इम्परवियस, एक बहुत ही हार्ड इम्परवियस फिल्म आपको देता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल प्राइमर में करते हैं। जो इम्परवियस मतलब किसी को भी अपने अंदर इंटर नहीं होने देता है, पेनिट्रेट नहीं होने देता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो वाटर हो, मॉइस्चर हो, रेन हो, इन सब चीज़ों को वो अपने अंदर नहीं जाने देता है। रेजिस्ट वेदरिंग एंड इम्पार्ट सुपीरियर प्रोटेक्शन ऑफ वुड एंड मेटल, लकड़ी और मेटल दोनों को ही प्रोटेक्शन ये देता है, इसलिए दोनों ही सरफेस पर प्राइमर या अंडरकोट में इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। इन प्राइमर फॉर मेटल एंड वुड, इन सरफेसर एंड टॉप कोट दोनों में इस्तेमाल होता है। सरफेसर बोलते हैं प्राइमर के बाद से सरफेसर लगाया जाता है फिलिंग के लिए। इन मेटल प्राइमर सप्लीमेंटेड विदाउट विद एंटी कोरोसिव पिगमेंट, ये देखिए बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है, अगर ये प्राइमर में लोहे के प्राइमर में अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती है, क्योंकि ये अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपनी हाइडिंग की वजह से ये सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमने इम्परवियस फिल्म बताया, मॉइस्चर को पेनिट्रेट नहीं होने देता है जिससे कि लोहे के ऊपर रस्टिंग नहीं होती, उससे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एंटी कोरोसिव पिगमेंट, एंटी कोरोसिव पिगमेंट नहीं होता है, लेकिन एंटी कोरोसिव पिगमेंट के साथ अगर इसको मिला दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और एक बहुत पॉपुलर हमारा प्राइमर होता है जिसको कि रेलवे वगैरह में बहुत मान्यता प्राप्त है, दैट इज कॉल्ड रेड ऑक्साइड जिंक क्रोमेट प्राइमर। जिंक क्रोमेट हमारा एंटी कोरोसिव पिगमेंट है, वो अगर इसके साथ मिला हुआ रहता है तो इसकी एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी इस प्राइमर की बढ़ जाती है, अर्थात रेड ऑक्साइड और जिंक क्रोमेट प्राइमर ये दोनों अगर मिले हुए हों तो एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी प्राइमर की बढ़ जाती है, प्राइमर इसी से बनाया जाता है आपका। नेक्स्ट हमारा पिगमेंट है सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड। सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड देखिएगा, ये सॉफ्ट होते हैं और फाइन, बहुत फाइन होते हैं कंपेयर टू योर नेचुरल। नेचुरल को हम लोग बनाने का तरीका वही होता है कि रॉ लिया, रॉक से निकालते हैं, रॉक से निकालने के बाद से ग्राइंड किया, ये प्रोसेस हमने बहुत पहले भी आपको बता चुका है पिगमेंट प्रोसेसिंग में, कि उसके बाद से उसको ग्राइंड करने के बाद से फिर वॉश किया, तो ग्राइंडिंग एंड लेविगेशन
ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलता है, सेपरेट आप कर सकते हैं उसको इस तरीके से। इसकी लेविगेशन के बाद से उसको फिल्टर किया, ड्राई किया, फिर पल्वराइज कर दिया और पैक कर दिया, इस तरीके से ये नेचुरल तैयार होते हैं। लेकिन सिंथेटिक जो होते हैं, सिंथेटिक हम लोग चार सोर्स हैं हमारे इसको बनाने के, जिससे कि ये बनाया जाता है। सबसे पहला है कैल्साइन कोपेराज, ये अब ये प्रोसेस थोड़ा बंद हो चुका है काफ़ी समय, आज से 20 साल 25 साल पहले ये प्रोसेस प्रचलन में था। इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर आपने ट्रैपिंग का कोई सिस्टम नहीं लगाया हुआ है तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर एसिड रेन का कारण बनती है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है, इस प्रोसेस को अब हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे। इससे आपको स्फेराइडल शेप के रेड ऑक्साइड मिलते हैं। पेराइट रेड हमने आपको बताया था, टिटेनियम डाइऑक्साइड ऑक्साइड के बाद से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही पिगमेंट आपका है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना जरूरी है। पेराइट रेड ये एसिकुलर शेप में होता है, प्रेसिपिटेटेड रेड ये रोम्बोहेड्रल शेप में होता है। ये रोम्बोहेड्रल का हमने पिक्चर दिखला रखा है यहाँ पर, कि शायद हो सकता है आपके दिमाग में रोम्बोहेड्रल किस शेप में होता है वो ना आ पाए, इसलिए इसको हमने यहाँ पर बना करके दिखला रखा है। कैल्साइन ब्लैक, ब्लैक ये क्यूबिकल शेप में होता है। देखिए सभी सिंथेटिक रेड ऑक्साइड के अंदर आयरन कंटेंट 95 से ऊपर ही है। दे डिफर इन पार्टिकल शेप, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट हैव एसेंशियली द सेम बेसिक कंपोजिशन। Fe2O3 होते हैं ये सब, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत इनमें अंतर हो जाता है। ईच टाइप कैन बी प्रोड्यूस इन अ वाइड गैमेट ऑफ कलर फ्रॉम अ लाइट ऑरेंज टू अ डीप। हाँ, ये चीज थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा, ये टेम्परेचर के साथ साथ इसका कलर चेंज होता चला जाता है। जैसे जैसे इसके एग्रीगेट्स बनते चले जाते हैं, एग्लोमेरेट्स बड़े पार्टिकल बनते चले जाते हैं, तो पार्टिकल का शेप या पार्टिकल का साइज जैसे जैसे चेंज होता है, इनके कलर पर भी प्रभाव पड़ता है, इनका कलर भी चेंज होता चला जाता है। अर्थात अगर आप 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको आप बनाते हैं तो थोड़ा सा ये येलोइश रेड होता है, और उसी को जब गर्म करते हुए आप 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाते हैं तो इसका कलर एकदम चॉकलेट के तरीके से ये कोको कोला कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इतना डार्क हो जाता है इसका कलर। तो कलर जो है ये पार्टिकल साइज और उसके शेप से चेंज होता चला जाता है, जबकि कंपोजिशन 400 वाले में भी Fe2O3 है और 900 वाले में भी Fe2O3 है। केमिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये इसका केमिकल फार्मूला है। डेंसिटी की रेंज आपकी इसकी यही है, चाहे चारों में आप ले लीजिए, थोड़ा बहुत प्लस फर्क पड़ेगा, डेंसिटी की रेंज इसकी यही है। इसी डेंसिटी की वजह से ये सरफेस के ऊपर इसका एडिशन अच्छा हो जाता है, हाई डेंसिटी की वजह से ये सरफेस पर अडेयर मतलब काफ़ी स्ट्रांगली सेटल हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, जिससे कि ऊपर एडिशन अच्छा हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहला प्रोसेस हमारा कोपेराज। कोपेराज से कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, कोपेराज किसको कहते हैं यह आपको पता होगा। कोपेराज हम लोग कहते हैं ग्रीन विट्रल, जिसको कि हिंदी में हरा कशिश भी बोलते हैं, उससे इसको बनाया जाता है। इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका फार्मूला होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 7H2 होता है, जब इसको गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट ये मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको दूसरे सेकंड स्टेज पर फिर उसको जब गर्म किया जाता है, अर्थात यहाँ पर जो गर्म करते हैं ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म करते हैं, ये सेकंड स्टेज में इसको 600 के ऊपर जब ले जाते हैं तब आपको Fe2O3 मिलता है। ये काफ़ी अच्छा पिगमेंट होता है, काफ़ी स्ट्रांग पिगमेंट होता है, लेकिन चूंकि हमने बताया इसमें ये फेरस सल्फेट में से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है, जैसे यहाँ पर ये निकल रही है, जिसकी वजह से इसका अब इस प्रोसेस का इस्तेमाल कम होता है, इस प्रोसेस से रेड ऑक्साइड बनाने का। दूसरा प्रोसेस होता है फ्रॉम येलो ऑक्साइड। येलो ऑक्साइड को हम लोग रोस्ट करते हैं, अभी हम बताएंगे आपको येलो ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। येलो ऑक्साइड ऑफ आयरन सिंथेटिक जो होता है वो जब बन जाता है तो उसको बनाने के बाद से जब हम लोग 140 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे H2O जो केमिकली कंपाउंड मालिक वाटर मालिक्यूल है ये इसमें से हटना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे ये आपका Fe2O3 में कन्वर्ट होता है पेपर में। अमिता, वेपर में कन्वर्ट हुए। इन दिस मेथड H2O इज रिमूव्ड एज 177 डिग्री सेंटीग्रेड एंड व्हेन वी कीप ऑन गिविंग द हायर टेम्परेचर। देखिएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड के पास इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी पूरा रेड कलर नहीं मिलेगा। ये रेड कलर आपको मिलेगा
जब आप जैसे जैसे इसका टेम्परेचर, यहाँ पर ये येलोइश रेड होगा, फिर ये ऑरेंज रेड आएगा, उसके बाद से फिर ये डार्क रेड में कन्वर्ट होना चालू। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर जब ये येलो ऑक्साइड का जो शेप होता है, पार्टिकल शेप, ये एसिकुलर होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं एसिकुलर से नोडुलर और नोडुलर से फिर मोर नोडुलर, अर्थात ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होता चला जाता है ये। तो पार्टिकल शेप चेंज हो रहा है और पार्टिकल साइज भी चेंज होती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैल्सिनेशन होगा, तो इसमें हार्डनेस अच्छी आ जाती है, क्योंकि पार्टिकल का एग्रीगेशन, सिंटरिंग, फ्यूजिंग ये हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल बहुत ज्वाइंट हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांगली ज्वाइंट हो जाते हैं, और वो कोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, फाइन नहीं रह जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, डायरेक्टली बाय प्रेसिपिटेशन। एक हम रेड ऑक्साइड का डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन करते हैं, इसमें फेरस सल्फेट का NaOH के साथ हम लोग रिएक्शन करवा के फेरिक हाइड्रोक्साइड हम लोग बना लेते हैं। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड इंटरमीडिएट होता है, जब इसको हम लोग बॉयल करते हैं ऑलमोस्ट न्यूट्रल pH के आसपास, तब हमें Fe2O3 डायरेक्ट मिल जाता है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस से। तो आजकल ये प्रोसेस आपका काफ़ी प्रचलित है, या इसके पहले येलो ऑक्साइड से जो बनाते थे वो भी प्रोसेस आपका बहुत चल रहा है, और ये प्रोसेस आपका काफ़ी प्रचलित है। तो ये दो प्रोसेस आपके इस समय काफ़ी इस्तेमाल होते हैं रेड ऑक्साइड को बनाने में, सिंथेटिक रेड ऑक्साइड को। बहुत सारी कंपनियां आप रेड ऑक्साइड नेचुरल नहीं डालती है प्राइमर में, सिंथेटिक डालती है, लेकिन अभी भी प्राइमर के अंदर जो चलन है वो रेड ऑक्साइड नेचुरल का ही है। लेकिन नेचुरल में चूंकि और भी इम्प्योरिटीज होती है, वाटर सॉल्युबल मैटर वगैरह भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल जो है थोड़ा सा उतना अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं दे पाता है, इसलिए सिंथेटिक कोई लोग इस्तेमाल करते हैं। जबकि सिंथेटिक की कास्ट और नेचुरल की कास्ट में करीब 10 times का डिफरेंट हो ही जाता है। अगर ये आपका 10 रुपया मिलता है नेचुरल, तो ये आपका 100-125 रुपये आसपास आपका मिलता है ये। तो इस प्रकार ब्लैक ऑक्साइड से भी रेड ऑक्साइड बनाया जाता है, जिसे हमने बताया ये ब्लैक ऑक्साइड है। ब्लैक ऑक्साइड को जो हम लोग कैल्साइन करते हैं करीब 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या इससे ऊपर ले जाते हैं, तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चार प्रोसेस हैं रेड ऑक्साइड सिंथेटिक बनाने के। अब इन चारों प्रोसेस की यहाँ पर प्रॉपर्टीज आप देखिएगा, प्रॉपर्टी देखिए सबकी लिखी हुई है। कलर का रेंज लाइट ऑरेंज से रेड और डीप मेरून तक चला जाता है। डेंसिटी करीब करीब सभी के आसपास है, 4.7 से लगाए 5.2 के आसपास तक है। आयर एब्जॉर्प्शन वैल्यू भी इन सबों की केवल एक प्रोसेस में, जो फेराइट रेड जो येलो ऑक्साइड से हम लोग बनाते हैं, इस प्रोसेस के अंतर्गत इसकी आयर एब्जॉर्प्शन वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एसिकुलर शेप आपका मिलता है शुरू में, एसिकुलर की वजह से इसकी आयर एब्जॉर्प्शन वैल्यू बढ़ जाती है। बाकी की आयर एब्जॉर्प्शन वैल्यू करीब ऑलमोस्ट सभी के आसपास ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो है टिटेनियम डाइऑक्साइड से भी अच्छा है। टिटेनियम डाइऑक्साइड का 2.76 है रुटाइल ग्रेड का, लेकिन इसका 2.94 से 3.22 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड से है लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन टिटेनियम डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में जब हाइडिंग आप देखिएगा तो ये करीब करीब 2.5 से 3 गुना ज़्यादा हाइडिंग देता है टिटेनियम के कंपेरिजन में। पार्टिकल साइज ये आपका दे रखा है, पार्टिकल शेप आप देख लीजिए, स्फेरिकल, एसिकुलर, स्फेरिकल, क्यूबिकल। एसिकुलर की वजह से इसका आयर एब्जॉर्प्शन वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एसिकुलर में एयर गैप ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि आपके आयल जो है उसके अंदर चला जाता है और आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू ज़्यादा। सिंथेटिक डाइऑक्साइड प्राइमर एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन टॉप कोट, हाईली रेजिस्टेंट टू सनलाइट, जो नेचुरल का होता है करीब करीब वही इसका भी होता है, इसमें कुछ प्लस ही होता है। कास्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो नेचुरल जरूर इससे थोड़ा सा सुपीरियर है, कि भाई उसकी कास्ट बहुत कम होती है। अदरवाइज प्रॉपर्टीज वाइज देखेंगे तो नेचुरल से इसकी प्रॉपर्टी उसी लाइन लेंथ पर ज़्यादा अच्छी होती है। नॉन रिएक्टिव होता है, सॉल्वेंट बाइंडर आयल रेजिन किसी से रिएक्ट नहीं करता, हीट स्टेबिलिटी भी अच्छी अच्छी होती है, तो हीट रेजिस्टेंस कोटिंग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हाइडिंग पावर भी इसकी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग एब्जॉर्बर ऑफ यूवी लाइट, ये भी इसका अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट को, इसलिए प्रोटेक्ट भी करता है, ये बाइंडर को भी प्रोटेक्ट करता है। इट हैज गुड नॉन ब्लीडिंग प्रॉपर्टी, ब्लीड नहीं करता है, लो कास्ट होती है। देखिए नीचे लिखा हुआ है सिंथेटिक रेड ऑक्साइड हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑफ नेचुरल रेड ऑक्साइड, रादर इन ब्राइटनेस सिंथेटिक इज बेटर ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, ब्राइटनेस में ये नेचुरल से ज़्यादा अच्छा होता है।
एप्लीकेशन वाइज देखेंगे तो पेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ दिस पिगमेंट। प्राइमर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, हमने बताया आपको टाइटेनियम के बाद से सेकंड मोस्ट यूज पिगमेंट ये है। पॉलिशिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। पॉलिशिंग का मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे कि आप लोग कभी देखेंगे कि जो स्पेक्स हैं, जो हम चश्मा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उस चश्मा में हल्का सा रेडिश टोन आ जाती है, या आप गॉगल इस्तेमाल करते हैं वो रेडिश टोन होता है, या ज्वेल वगैरह में जो रेडिश टोन होती है, इन सबों को अगर पॉलिश करते हैं रेडॉक्साइड तो रेडॉक्साइड की बहुत पतली ट्रांसपेरेंट लेयर उसके ऊपर आ जाती है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग में भी बहुत अच्छा होता है। टाइल्स और सिरेमिक में टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए टाइल्स और सिरेमिक में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। प्लास्टिक में होता है, रबर में होता है, रबर की जो भी इंडस्ट्री वगैरह है, तो जो रबर में आप लोग नीचे देखते हो कभी सोल में हल्का सा रेडिश टोन होती है, जूतों वूतों में सोल होता है, ब्राउन कलर के जूते होते हैं उसके सोल भी आप देखिएगा हल्के ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर की पॉलिश में इसका इस्तेमाल होता है, ब्राउन कलर के रबर सोल में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर कि इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा होता है। कॉस्मेटिक और ड्रग वगैरह में चूंकि ये नॉन टॉक्सिक है, टोटली नॉन टॉक्सिक है, इसलिए इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक और ड्रग वगैरह में भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट पिगमेंट आपका येलो ऑक्साइड ऑफ आयरन। येलो ऑक्साइड ऑफ आयरन जो नेचुरल था वो हमने आपको येलो आकर के रूप में बताया, ये है आपका सिंथेटिक येलो ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखिए इसका कम होता है रेड ऑक्साइड के कंपेरिजन में, आयरन एब्जॉर्प्शन वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इनके शेप जो होते हैं एसिकुलर होते हैं। एक्सेलेंट ब्लीड एंड केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसकी भी अच्छी होती है, एक्सेलेंट लाइट फास्टनेस, एक्सेलेंट डिस्पर्सिबिलिटी। डिस्पर्सिबिलिटी देखिए इन सबों की अच्छी होती है क्योंकि हल्के से कोर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक हैं और हल्की सी क्वालिटी भी होती है जिसकी वजह से इसकी डिस्पर्सिबिलिटी अच्छी होती है। फेयर हीट रेजिस्टेंस, देखिए हीट रेजिस्टेंस जरूरी इसका फेयर होता है, इतना अच्छा नहीं होता है जैसे रेड ऑक्साइड का होता है क्योंकि H2O है इसके साथ जुड़ा हुआ, तो वो H2O 170 के आसपास जब निकलना चालू होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, रीजंस ऑफ यूज, स्ट्रांग एब्जॉर्बर ऑफ यूवी लाइट, अल्कली फास्ट अच्छा होता है। ठीक है, सो यूज इन एक्सटीरियर इमल्सन पेंट ऑल्सो। फ्लोर कलर, फ्लोर कलर का मतलब ये हुआ कि कभी कभी हम लोग जो मकान होते हैं मकानों में फर्श के अंदर टाइल्स बिछाने की बजाय सीमेंट में ये कलर दे देते हैं। सीमेंट में अगर येलो ये वाला येलो अगर ऑक्साइड मिला देंगे तो सीमेंट का फ्लोर जो होता है हल्का सा येलो कलर का हो जाएगा, रेड मिला देंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन इसमें मिलाते हैं रेड ऑक्साइड है या येलो ऑक्साइड है, इसमें ऑर्गेनिक पिगमेंट नहीं मिलाते हैं क्योंकि सीमेंट जो होता है काफ़ी स्ट्रांग अल्कलाइन होता है नेचर में, तो दूसरे कलर को वो डैमेज कर देगा, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसकी अल्कलिनिटी का। मैन्युफैक्चरिंग, ये फेनिमेन जो प्रोसेस है बहुत पॉपुलर प्रोसेस हुआ था ये, और इस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। तो प्रोसेस में यही है कि फेरस सल्फेट हम लोग लेते हैं, जैसे ऊपर आपको बताया था ग्रीन विट्रियल ले लिया, उसका सोल्यूशन बना दिया पानी में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना दिया, जब दोनों को मिला देते हैं तो हमें फेरस हाइड्रोक्साइड मिल जाता है जिसको कि हम लोग सीड भी कहते हैं। यही फेरस हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये Fe2O3H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए कि ये येलो ऑक्साइड तो है लेकिन इसके अंदर पिगमेंटी प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि ये सीड शेप में है, ये बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग ग्रो करवाते हैं। जब ग्रो करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको ग्रो करवाया हुआ, ग्रो करवाने में हम लोग एक टैंक के अंदर ये सीड ले लेते हैं और इस सीड के साथ साथ हम लोग फेरस सल्फेट वाटर ऑक्सीजन वाटर स्टीम के रूप में लेते हैं ताकि गर्म भी इसमें रहे, टेम्परेचर भी हमें मेंटेन करना होता है 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें, और फिर आयरन स्क्रैप भी इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड आयरन स्क्रैप के साथ रिएक्शन करता है, वैसे सल्फ्यूरिक एसिड अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ जो ये फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट में 2-3% आपका ऑलरेडी H2SO4 होता ही है, अदरवाइज फेरस सल्फेट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसमें ये 2-3% जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है वही आपका इस आयरन के साथ रिएक्ट करता है और फेरस सल्फेट बनाता है। तो फेरस सल्फेट जो है एक सोर्स हो जाती है Fe2O3H2O का, और यही फेरस सल्फेट आपका इसके साथ इसके ऊपर ये सीड के ऊपर बैठना चालू होता है, अर्थात सीड को हम लोग ग्रो करवाते हैं, यही सीड जो है जो ऊपर आप सीड देख रहे हैं यही बड़ा होता चला जाता है। जब ये बड़ा होता है तो उस स्टेज पर जहाँ पर कि हमारी पिगमेंट्री प्रॉपर्टी आ जाती है या जहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड कलर आ जाता है वहाँ पर हम इसको
प्रोसेस को बंद कर देते हैं, उसके बाद उसमें पानी डाल करके इसको ठंडा भी कर देते हैं और वॉश भी कर देते हैं। वॉश कर दिया, फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद से ड्राई करके पल्वराइज करके इसको पैक कर देते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट पॉट के होते हैं, इसके अंदर आपकी ज़्यादा ग्राइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपका ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी कम होता है, आलजासन वैल्यू भी इसकी कम है, Fe3O4 कंटेंट इसका, ये डेंसिटी वही है, उसी रेंज में आपकी डेंसिटी है जिसमें रेड और येलो है आपके। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होती है, सिंथेटिक ब्लैक ऑक्साइड की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें फेरस सल्फेट लेते हैं, फेरस सल्फेट को NaOH सोल्यूशन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें भी दिया है, यहाँ पर भी ले रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वहाँ पर हम लोग एसिड एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सीड बनता है वो फेरिक उसका फेरस हाइड्रोक्साइड का बनता है, और यहाँ पर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। पार्शियल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम इसको बॉयल करते हैं तो ये Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका ब्लैक ऑक्साइड हो गया। ये भी नॉन ब्लीडिंग है, 5% अल्कली के साथ रिएक्शन इसका नहीं होता है, लेकिन 5% एसिड के साथ रिएक्शन हो जाता है। ये भी 150-200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो स्टेबल है, लेकिन उसके ऊपर ये भी धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, डिस्पर्सिबल है चूंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और मेटल प्राइमिंग में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और सीमेंट के साथ इसको मिला करके जो ब्लैक कलर की जो पट्टी वट्टी होती है जो फर्श पे हम लोग लगाते हैं आमतौर पर, या ब्लैक कलर का फर्श होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जिक्र हमने ब्लैक पिगमेंट में भी किया था। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ गई क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन। क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन जो होता है ये एक बहुत ही अच्छा पिगमेंट वैसे है कि इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत ब्राइटनेस नहीं होती है, और ये पिगमेंट थोड़ा सा कास्टली पड़ता है, क्रोमियम है, और इस पिगमेंट का कुछ विशेष इस्तेमाल है। लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी ज़्यादा है, प्योरिटी इसकी ठीक है, एलोजेशन वैल्यू इसका कम है। इसकी विशेष प्रॉपर्टी देखिए आपके मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को सल्फर या कार्बन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब क्रोमियम ऑक्साइड सर आपकी कन्वर्ट होता है। हाँ पूछो सर, जो मोहम्मद आपकी भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी, सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही हम लोगों की, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही यस सर, ये मोहम्मद आके बीच में करने लग गए अपनी स्क्रीन शेयर। अरे तो नहीं सर हो रही है, लेकिन मोहम्मद आकिब की एक ऑप्शनल लगी हुई है ना, आपकी स्क्रीन आ रही है सर। अरे तो ये तो चीज बतानी चाहिए थी, तुम लोग इतनी लेट में बता रहे हो। सर अभी हुआ सर, अभी तक हो रही थी सर, नहीं सर शेयर हो रही है, आ रही है सर, हो रही है, पर दोबारा रिफ्रेश करके तो हमने कुछ किया तो नहीं है इसमें। नहीं नहीं सर, आ रही है सर आपकी स्क्रीन। भाई आ गई तुम्हारे पर भी? यस सर आ गई। हाँ अब इसमें देखो, इसको जो क्रोमियम ऑक्साइड को हम लोग बनाते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड को एक प्रोसेस तो ये हो गया, दूसरा प्रोसेस हो गया हीटिंग अमोनियम क्रोमेट को भी, अमोनियम डाइक्रोमेट वगैरह यह है, अमोनियम क्रोमेट लेकर के जब हम लोग गर्म करते हैं, जब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खाली गर्म कर दिया तो भी क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है। ध्यान दीजिएगा बहुत सारे इनऑर्गेनिक पिगमेंट कैल्सिनेशन प्रोसेस से बन रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक पिगमेंट में कैल्सिनेशन प्रोसेस न के बराबर इस्तेमाल होता है, केवल एक दो पिगमेंट ही ऐसे होंगे जो कि कैल्सिनेशन प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक पिगमेंट काफ़ी सारे कैल्सिनेशन प्रोसेस से बनते हैं। बनाने के बाद से उसके बाद से इसको देखिए वॉश करते हैं, वॉश करके ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद से फिर पल्वराइज कर देते हैं, इस प्रकार ये हमारा पिगमेंट आपका तैयार हो जाता है। मेजर रीजन्स ऑफ यूज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस टू सनलाइट बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है ये, आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस टू हीट भी बहुत अच्छी ये बर्दाश्त कर लेता है, हाईली रेजिस्टेंस टू एसिड एंड अल्कली, ठीक, ग्रीन डल ग्रीन कलर होता है, ब्राइटनेस नहीं होती है इसमें। सोप रेपर्स, ध्यान दीजिए सोप रेपर्स में स्पेसिफिकली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोप का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है, अर्थात इसका अल्कली रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए ये सोप रेपर्स में इस्तेमाल होता है। सिरेमिक्स, मेसनरी, पोर्टलैंड सीमेंट, टाइल्स, इन सबों में इसलिए चला जाता है क्योंकि इसका हीट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। रबर कंपाउंडिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं,
हाँ, ये एक विशेष प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इस एरिया में हम लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। कैन रिफ्लेक्ट आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन को भी ये रिफ्लेक्ट कर देता है, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है वो इसको रिफ्लेक्ट करता है, वैसे बिहेव करता है। अर्थात मिलिट्री एरिया के अंदर कैमोफ्लेजिंग के लिए इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो ये मिलिट्री लाइन के अंदर इस पिगमेंट के पेंट का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा यहाँ पर यूज होता है। अपने आप रुक गया, जो प्रेजेंटेशन रुक गया था क्या? हाँ, दिखलाई पड़ रहा है? नहीं यस सर, सर दिखाई दे रहा है सर, बीच में शायद रुक गया था। यस सर, बीच में बस एक मिनट। अच्छा, चलो। तो ये इसका हमने बताया कि मिलिट्री एरिया में कैमोफ्लेजिंग के लिए या मिलिट्री एरिया में जो पेंट वगैरह बनते हैं उसमें इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। आखिरी वाला पॉइंट थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, पुअर टिंटिंग एंड डल कलर, टिंटिंग स्ट्रेंथ इसकी बहुत कमजोर होती है और कलर भी इसका डल होता है। तो अच्छी क्वालिटी पेंट में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल स्पेसिफिक पेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हाई ग्लास पेंट में इसको इस्तेमाल करेंगे तो पहले तो कलर में ब्राइटनेस नहीं आएगी और दूसरी बात ओपेसिटी भी ये नहीं दे पाएगा, आपका टिंटिंग भी इसकी कमजोर होगी, अर्थात ये हैवी लोडिंग करना पड़ेगा। इसमें ये रुक में जा रहा है। चलिए, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा पिगमेंट है लेड क्रोम पिगमेंट, ये PbCrO4, ये इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसमें शुरू में जैसे हमने आपको बताया था पांच तरीके के पिगमेंट होते हैं, प्रिमरोज, लेमन, मिडिल ऑरेंज एंड स्कारलेट क्रोम, ये पांच कलर के पिगमेंट होते हैं, थोड़ा थोड़ा कंपोजिशन चेंज होता है लेकिन मेन इंग्रेडिएंट आपका लेड क्रोम ही होता है। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है पेंट वगैरह में, यद्यपि ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है नेचर में, लेकिन कुछ जगहों पर जहां पर टॉक्सिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रिमरोज, इसमें प्रिमरोज, प्रिमरोज का कंपोजिशन आप देख लीजिए, इसमें लेड क्रोम होता है मेन एलिमेंट, इसके साथ लेड सल्फेट और एल्यूमिना होता है, आर्थोरॉम्बिक स्ट्रक्चर होता है, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग एल्यूमिना केवल डालते हैं 1-2%। ठीक है, इसका कलर जो होता है जैसे ये आप स्क्रीन का कलर देख रहे हैं, हल्का सा ग्रीनिश येलो होता है इसका कलर, प्रिमरोज यहाँ से चालू होता है। इसके बाद से नेक्स्ट आ गया आप, ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैसे करते हैं प्रिमरोज की, करीब करीब जितने भी आपके क्रोम पिगमेंट है सबकी मैन्युफैक्चरिंग एक ही प्रोसेस से है, प्रेसिपिटेशन ही एकमात्र प्रोसेस है, और हर एक में लेड के साल्ट के रूप में या तो लेड नाइट्रेट लेते हैं या लेड एसीटेट लेते हैं। ये लेड नाइट्रेट और लेड एसीटेट दोनों ही वाटर सॉल्युबल साल्ट हैं। ये अगर आप लोगों की लैब चलती रहती तो ये हम आपका प्रिपरेशन आपको करवाते हैं, तो इनका वाटर में हम लोग सोल्यूशन बना करके सोडियम क्रोमेट के सोल्यूशन के साथ, सोडियम क्रोमेट के सोल्यूशन के साथ जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं जैसे ये नीचे दिखलाया हुआ है, तो ये आपका लेड क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ आप या तो सोडियम सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट डालते हैं तो एल्यूमिना का भी एक सोर्स हो जाता है, और ये तो PbCrO4, PbSO4 इनका एक को साल्ट बनाता है जिसकी वजह से इसके अंतर्गत हल्का सा ग्रीनिश टोन आता है। ठीक है, ये पीएच जो होता है इसका एसिडिक पीएच में इसको बनाया जाता है, और जो रिएक्शन टेम्परेचर होता है ये आपका 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको करते हैं। तो जैसे ये दो साल्ट सोल्यूशन मिलाते हैं, मिलाने के बाद से ये प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसको कि वॉश कर लेते हैं, फिल्टर किया, ड्राई किया, पल्वराइज किया, और इस तरीके से ये आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका ऑर्थोरम्बिक हो गया, ग्रीनिश येलो शेड हो गया, पार्टिकल साइज डिपेंड्स करता है कि आप कैसे ग्राइंडिंग स्टरिंग करते हैं। अगर स्टरिंग, ध्यान दीजिएगा, ये करीब करीब सभी प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में होता है, अगर आप सॉफ्ट स्टरिंग करते हैं, अगर आराम से स्टरिंग करते हैं तो ये इसमें कोर्स पार्टिकल बनते हैं,
और अगर आप विगरस स्टरिंग करते हैं तो फाइन पार्टिकल बनते हैं। ये प्रेसिपिटेशन का एक कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, आयरन ऑक्साइड से भी ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके आयरन ऑक्साइड से कम है। आयल एडजस्टन वैल्यू करीब आपका 12 से 16 है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स गुड ओपेसिटी, अच्छी ओपेसिटी देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, इनसॉल्युबल वाटर है, लिंसिड आयल है, रेजिन है, पॉलीमर है, इन सबों में ये आपका सॉल्युबल नहीं होता है। स्लाइट सॉल्युबिलिटी होती है 5% एल्कली और 5% HCl में, अर्थात इसको आप विशेष किसी पर्पज से नहीं कर सकते, जैसे इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में आप इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकल उसमें एटमॉस्फेयर में आपको कर सकते हैं। एक कमी और इसके अंतर्गत आपको आगे आएगी कि इसमें देखिएगा कि लेड क्रोमेट है, ये लेड का साल्ट है। तो होता क्या है कि अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो तो ये उस गैस से रिएक्ट करके लेड सल्फेट या लेड सल्फाइड बनाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो ये लेड सल्फाइड होते हैं ये ब्लैक कलर का होता है, तो ये येलो कलर से ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर कि संभावना हो कि सल्फर प्रेजेंट है वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एडवांटेजेज देखिए, इसके ब्राइट इन कलर काफ़ी ब्राइट होता है, ये हमने आपको शुरू में बताया था। इसकी ब्राइटनेस अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिक पिगमेंट के आसपास इसकी ब्राइटनेस होती है। हाई ओपेसिटी देता है, ओपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। हाई टिंटिंग स्ट्रेंथ, इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ पर है अभी हम आपको बता रहे हैं। एक्सेलेंट फिल्म ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। ब्लीड रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। ग्लास रिटेंशन अच्छा है, ग्लास रिटेंशन मतलब लंबे समय तक ये फिल्म का ग्लास मरने नहीं देता है, ख़त्म नहीं होने देता है। नॉन रिएक्टिव टूवर्ड्स पेंट मीडिया एंड कंपेटिबल विथ मोस्ट अदर पिगमेंट्स, तो कंपेटिबल है, ये एडजस्टेबल है ये सभी के साथ। डिसएडवांटेज क्या है, ड्यू टू कंटेनिंग लेड इट इज टॉक्सिक, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। व्हेन एक्सपोज टू अर्बन एटमॉस्फेयर, जैसे हमने आपको बताया, तो ये लेड सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। एप्लीकेशन एरिया में देखिए, इट इज मेजर एरिया ऑफ यूज इन पेंट इंडस्ट्री, इट इज यूज इन रोड मार्किंग पेंट, इसमें आज भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टॉक्सिसिटी का कोई रोल नहीं रहता है, तो रोड पर जेब्रा निशान वगैरह में जो पीला रंग आप लोग देखते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि ब्राइटनेस होती है, दूर से ही चमकता है, दूर से ही दिखता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आज भी हम लोग करते हैं। और एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, पानी में नहीं घुलता है, सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और कंपेटिबिलिटी दूसरे मटेरियल के साथ अच्छी है, इन सब वजहों से इसका इस्तेमाल हम लोग वहाँ पर करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट यूज एरिया इज प्रिंटिंग इंक, प्रिंटिंग इंक में येलो जो, एक तो ये ऑर्गेनिक पिगमेंट के कंपेरिजन में ये सस्ता होता है, तो सस्ते की वजह से और ब्राइटनेस इसकी ऑर्गेनिक के आसपास हो जाती है। केवल इसके अंदर जो ड्रॉबैक है वो एक टॉक्सिसिटी का है और दूसरा ये ब्लैक में कन्वर्ट होने का है, अदरवाइज इसके अंदर एज सच कोई दूसरा ड्रॉबैक नहीं, बहुत अच्छा पिगमेंट है ये ब्राइटनेस की वजह से। नेक्स्ट इसका आप क्या लेमन, जो जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर आपको बताया वो करीब करीब सभी क्रोम पिगमेंट में एग्जिस्ट करेगी, जितने भी आपके येलो पिगमेंट है, येलो क्रोम पिगमेंट है, वो वहाँ पर प्रिमरोज में लिखा हुआ है लेकिन दूसरे भी पिगमेंट के साथ वो लागू होती है। लेमन क्रोम पिगमेंट, लेमन क्रोम में जैसे ये लेमन नींबू का जो पके हुए नींबू का जो कलर होता है लेमन कलर होता है वो होता है, और जो ऊपर प्रिमरोज दिखलाया था ये समझ लीजिए कि एक नींबू का वो कलर जो कि उसका हल्का सा हरापन लिया हुआ है, अभी पूरी तरीके से नींबू अगर मैच्योर नहीं हुआ है तो वो जो कलर होता है वो प्रिमरोज का होता है, मैच्योर के बाद से जो कलर होता है वो लेमन क्रोम पिगमेंट की तरह। इसका कंपोजिशन में क्या है, लेड क्रोमेट और लेड सल्फेट होता है, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऑर्थोरम्बिक होता है जिसको कि हमें स्टेबल करना पड़ता है एलुमिना डाल करके, यहाँ पर एलुमिना हम लोग नहीं डालते हैं, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आती हमें, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका ये हो गया, ऑरेंज येलो, डेंसिटी इसकी ये हो गई, डेंसिटी वगैरह सब ठीक है इसकी, सॉल्युबिलिटी है तो सभी पिगमेंट के साथ है, क्रोम पिगमेंट के साथ कि एसिड में सॉल्युबल हो जाएगा, हाई अल्कलाइन उसमें भी सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो है एसिड में सॉल्युबल नहीं होगा, जैसे एस्टिक एसिड वगैरह में कोई भी क्रोम आपका सॉल्युबल नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी भी 2.31 के आसपास है, ठीक है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका मोनोक्लिनिक है जो कि काफ़ी कुछ स्टेबल स्ट्रक्चर है। आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू इसकी ठीक है, रेंज में है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होगी, या बल्क डेंसिटी, पीएच वैल्यू जो हम लोग बनाते हैं आमतौर पर इसको भी एसिडिक कंडीशन में ही बनाते हैं, इसका भी पीएच जो है हल्का सा एसिडिक ही होता है, ठीक है। मिडिल क्रोम,
ये मिडिल क्रोम हो गया, वो 11 क्रोम था, उसके बाद से मिडिल क्रोम। मिडिल क्रोम ये प्योर PbCrO4 होता है, इसके अंदर कोई भी दूसरा साल्ट नहीं होता है लेड का, जैसे उन सबों में लेड सल्फेट पे साल्ट था, लेकिन यहाँ पर लेड सल्फेट नहीं होता है, ये प्योर लेड क्रोमेट ही होता है। इसको बनाने का ये लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाया और सोडियम क्रोमेट का सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन को दोनों को मिला दिया, लेड क्रोमेट आपका बन जाता है। हल्का सा एसिडिक कंडीशन हम लोग रखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और ये सब दे रखा है, डेंसिटी इसकी 6.3 के आसपास है, अच्छी डेंसिटी है, हाई डेंसिटी है, सेटलिंग इसमें ज़्यादा होगी, फास्ट सेटलिंग होगी लेड के साथ। हमने आपको शुरू में बताया था फ्लडिंग और फ्लोटिंग में क्रोम पिगमेंट के साथ अगर आयरन ब्लू को मिला दें तो ग्रीन कलर तो बनता है, लेकिन ग्रीन कलर में फ्लोटिंग हो जाती है। आयरन ब्लू बहुत हल्का होता है, ये काफ़ी भारी होता है, ये नीचे बैठ जाता है, आयरन ब्लू फ्लोट करने लगता है, इसलिए ये फ्लोटिंग और फ्लडिंग की डिफेक्ट डेवलप हो जाती है पेंट में। तो प्रॉपर्टी जिसमें देखिए, मिडिल क्रोम इज यूज इन ट्रैफिक पेंट, 30% ऑफ द पेंट यूज फॉर ट्रैफिक कंट्रोल इज येलो। ये जैसे हमने आपको बताया था ट्रैफिक पेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गुड ओपेसिटी की वजह से, गुड लाइट फास्टनेस, गुड ग्लॉस, गुड फिल्म ड्यूरेबिलिटी, ब्राइटनेस ऑफ शेड, गुड हाइडिंग पावर, नो ब्लीडिंग, गुड इंक फ्लो, गुड स्टेबिलिटी इन स्ट्रेंथ, ये सब इसके काफ़ी अच्छे होते हैं। डिसएडवांटेज इसमें भी वही है, डार्क एंड ऑन मॉइस्चर, पुअर अल्कली एंड एसिड रेजिस्टेंस, सॉफ्ट एसिड और अल्कली के साथ तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग अल्कली और एसिड को नहीं बर्दाश्त कर पाता है। रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक सल्फाइड एंड गेट डिसकलर, जैसे उसमें भी लेड सल्फाइड बनता है, इसमें भी लेड, कोई भी लेड का साल्ट होगा वो सल्फर की प्रेजेंस में लेड सल्फाइड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इनएडिक्वेट हीट स्टेबिलिटी एट हायर टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो टेम्परेचर होते हैं, जैसे आप धूप वगैरह में आप इसको रखते हैं, इसके कलर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपका क्रोम पिगमेंट में आ गया ऑरेंज क्रोम। ऑरेंज क्रोम में देखिएगा, लेड का जो साल्ट होता है PbCrO4 मिडिल क्रोम में था, पहले PbSO4 था, यहाँ पर पीबी हाइड्रोक्साइड लेड ऑक्साइड आ गया, अर्थात अल्कलाइन आ गया, ये अब यहाँ पर जो ये साल्ट हो गया ये अल्कलाइन हो गया नेचर में। लेड सल्फेट एसिडिक होता है, लेड हाइड्रोक्साइड ये अल्कलाइन होता है। तो देखिएगा, इसको बनाने में भी पीएच जो है 9 से 10 के आसपास हम रखते हैं। तो द यू रेंज, जैसे इसका कलर हमने दिखलाया हुआ, खैर ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हाँ ब्राइटनेस ऐसी होती है, अगर इस लाइट का कलर आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, तो ये डीप ऑरेंज कलर में होता है। दीज आर रिलेटेड टू पार्टिकल साइज एंड शेप, जो आप ये कलर चेंज देख रहे हैं ये डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के शेप की वजह से आता है ये, क्योंकि लेड क्रोम के साथ अलग अलग जो लेड का साल्ट एसोसिएटेड है वो इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जा रहा है। मोर रेजिस्टेंस टू अल्कली अटैक, अल्कलाइन के एटमोसफियर में ये बना हुआ है, इसलिए अल्कली अटैक को ये बर्दाश्त कर लेता है, दूसरे के कंपेरिजन में ये प्रॉपर्टीज भी अच्छी है। सस्पेंशन, इसमें पुअर सस्पेंशन प्रॉपर्टीज एंड पुअर हाइडिंग, लार्जर पार्टिकल के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लार्जर पार्टिकल जो कोर्सर पार्टिकल होंगे उसकी सेटलिंग जो होगी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। लाइट फास्टनेस और गुड ड्यूरेबिलिटी, फिल्म ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, ये सभी क्रोम पिगमेंट के साथ है। डिफाइंड एप्लीकेशन इन टिंट्स ड्यू टू गुड लाइट फास्टनेस प्रॉपर्टी, टिंट वगैरह में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, टिंट का मतलब हल्का सा वो कलर देने के लिए, प्योर कलर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भाई ये अगर कहीं एक्सटीरियर गैस वगैरह, सल्फर गैस वगैरह, तो उसके साथ ये हल्का सा कलर इसका डार्क हो जाएगा, बहुत समय बाद हल्का सा फर्क आएगा, हो सकता है आपको समझ में भी ना आए एक लंबे समय बाद। रस्ट इनहिबिटिंग पेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि रस्ट इनहिबिशन में जो अल्कलाइन पिगमेंट का जो नेचर होता है वो हेल्प करता है रस्ट को पहले में कोरोजन होने में, अगर पेंट वगैरह में अल्कलिनिटी होगी तो वो कोरोजन नहीं होने देती है, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है किसी भी पिगमेंट की, अल्कलाइन की जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्कारलेट क्रोम मॉलिब्डेनम ऑरेंज, ये इससे भी ज़्यादा डार्क होता है, ये काफ़ी डार्क होता है, इसका तो शेड हमें नहीं मिला इसलिए हम इस पर नहीं दे सके आपको, मतलब आप इसको आप ये समझ लीजिए कि इसको करीब करीब कोका कोला के कलर से या थम्सअप चॉकलेट से मिलता जुलता सा इसका कलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है ये। इट हैज़ अ रेडिश येलो कलर, काफ़ी रेडिश होता है, इट हैज़ अ पीएच इसका जो होता है 8.5 to 9 टेट्रागोनल क्रिस्टल होता है,
कंपोजिशन में पीबी, इसके कंपोजिशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके साथ लेड मॉलिब्रेट का भी सॉल्ट है और लेड सल्फेट का भी सॉल्ट है, ये दोनों सॉल्ट इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप सॉल्ट जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सॉल्ट की वजह से जो है कलर चेंज हो रहा है इन सबों का। स्कारलेट क्रोम पिगमेंट देखिए, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करते हैं, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना दिया, सोडियम मॉलिब्रेट, मॉलिब्रेट का जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होगा वो सोडियम के साथ बनेगा, तो सोडियम मॉलिब्रेट दिस इज आल्सो वाटर सॉल्युबल। लेड का नाइट्रेट सॉल्ट या लेड का एसीटेट सॉल्ट, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है, तो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट में जो भी आपको सस्ता पड़ जाए या जो भी अवेलेबल हो दोनों के सॉल्ट में से कोई भी एक लेकर के इसका भी सोल्यूशन बना लिया, सोडियम सल्फेट इज आल्सो हाईली वाटर सॉल्युबल, इसका भी सोल्यूशन बना लिया, एंड सोडियम क्रोमेट दिस इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, सो ऑल आर वाटर सॉल्युबल, सो यू कैन प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज, दैट मीन्स एक में आप लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लीजिए और एक में आप इनका सॉल्यूशन बना लीजिए और इन दोनों सॉल्यूशन को जब साइमल्टेनियसली मिक्स करेंगे एट पीएच 3, ध्यान दीजिएगा शुरू में पीएच 3 है लेकिन बाद में पीएच हम 8-9 ले जाते हैं इसको ऑक्सीडाइज करने में, तो पीएच 3 पर जो आपका सॉल्ट मिल जाता है और उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज करके सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और एस्टिबलाइज कर देते हैं एल्युमिनियम सल्फेट के द्वारा इस स्ट्रक्चर को, और इस तरीके से ये स्कारलेट पिगमेंट हमारा बन जाता है। लेड एंड हेक्सावेलेंट क्रोमियम दोनों साल्ट होने की वजह से इसके अंतर्गत थोड़ी सी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, ये एक पॉइजनस होता है, तो ये सेफ्टी हैजार्ड है, ये पिगमेंट थोड़ी सी टॉक्सिक लेवल इसके दूसरे पिगमेंट के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है थोड़ा सा सोच समझ कर भी किया जाता है, स्पेशली बच्चों के आसपास तो कभी नहीं करना चाहिए, घरों के अंदर की दीवारों पर नहीं करना चाहिए, बच्चों के खिलौने वगैरह पर नहीं करना चाहिए इन सबों का इस्तेमाल। नेक्स्ट पिगमेंट आपका आ गया प्रशियन ब्लू, तो क्रोम आपका खत्म हो गया, अब हम लोग ब्लू पिगमेंट पर आ गए, प्रशियन ब्लू पिगमेंट पर, प्रशियन ब्लू दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल पिगमेंट, इसको मिलोरी ब्लू भी बोलते हैं, चाइनीज ब्लू भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज ब्लू भी बोलते हैं क्योंकि ब्रॉन्ज इफेक्ट आता है, मेटलिक इफेक्ट आता है इसमें, और बर्लिन ब्लू भी बोलते हैं, इस प्रकार इसके विभिन्न नाम है। ऑलमोस्ट ब्लैकिश ब्लू होता है, काफी डार्क ब्लू होता है ये, अगर आपको कार्बन पेपर आपको ध्यान आ रहा है, जो कार्बन पेपर दो कलर में आपको मिलते हैं, एक ब्लू कलर में और एक ब्लैक कलर में, तो जो ब्लू कलर में आपको मिलता है वो कार्बन पेपर पर जो कार्बन होता है वो इसी उसमें यही डालते हैं हम लोग, नाम उसका कार्बन पेपर है लेकिन ये ब्लू कलर उसमें पिगमेंट ब्लू है, उसमें कार्बन ब्लैक नहीं है आपका, जो ब्लैक वाला कार्बन पेपर है उसमें ब्लैक है। मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम रिएक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम ऑफ अमोनियम फेरोसाइनाइड, कोई भी एक ले लेते हैं, या सोडियम का साल्ट ले लीजिए, पोटेशियम का या अमोनियम का फेरोसाइनाइड साल्ट ले लिया और फेरोसल्फेट के साथ हम लोग उसका रिएक्शन करवाते हैं, प्रेसिपिटेट को डाइजेस्ट करते हैं फिर सल्फ्यूरिक एसिड में, देन ऑक्सीडाइज विथ सोडियम क्लोरेट और सोडियम बाइक्रोमेट, अभी नीचे प्रोसेस हम केमिस्ट्री के द्वारा इसको समझा रहे हैं, तो इसमें दो स्टेज का प्रोसेस होता है, सबसे पहले प्रेसिपिटेट द्वारा बनता है जिसको कि बर्लिन वाइट प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में और तब ऑक्सीडाइज करते हैं, तब हमें ब्लू कलर मिल जाता है जिसको फिल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया और पैक कर दिया, ये इसका रिएक्शन है। स्टेज फर्स्ट में अगर आप देखिएगा तो सोडियम फेरोसाइनाइड, चाहे तो सोडियम का ले लीजिए, अमोनियम का ले लीजिए, जो भी आप फेरोसाइनाइड का कोई भी आयरन का साल्ट हो, चाहे वो सोडियम के साथ हो अमोनियम के साथ हो, वो लेकर के उसका वाटर सोल्यूशन बना लिया, फेरोसल्फेट का भी वाटर सोल्यूशन बना लिया और इन दोनों को जो है जब मिलाते हैं तो ये हमारा बर्लिन वाइट एक प्रेसिपिटेट बनता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ध्यान दीजिएगा ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, जब इसको हम दो सोडियम क्लोरेट के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोरेट की प्रेजेंस में जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तब ये आपका फेरिक अमोनियम फेरोसाइनाइड या अमोनियम फेरी फेरोसाइनाइड, दोनों एक ही तरीके का नाम है, इसमें ये हमें ये प्राप्त होता है जिसको कि हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, वॉश करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ड्राई करते हैं, पल्वराइज करके फिर इसको पैक कर लेते हैं, ये इसका प्रोसेस है। प्रॉपर्टी जिसकी ये है, ओपेक ब्लू क्रिस्टल होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए बहुत कम होती है, इसीलिए हमने बताया कि आयरन ब्लू को जो हम लोग मिलाते हैं लेड के लेड पिगमेंट के साथ, क्रोम पिगमेंट के साथ, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पेंट बनाने के लिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आयरन ब्लू की
और लेग फोन की, इन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, कुछ 6 के आसपास है और ये 2 के आसपास है, तो इसकी वजह से सेपरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसकी पार्टिकल साइज भी देखिए बहुत फाइन है, तो बहुत फाइन होने से ये फ्लोट करने लगता है। अब आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि पार्टिकल साइज में ये आप कह सकते हैं कि सर इस साइज पर तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, आपका कहना एकदम सही है, ये ट्रांसपेरेंट ही होता है ये पिगमेंट। तो अगर इसका इंडिविजुअल पिगमेंट अगर देखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर पड़ा रहता है एग्रीगेट की अवस्था में या एग्लोमरेट अवस्था में, तब इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा वैसे नहीं नजर आती है, लेकिन वैसे ये ट्रांसपेरेंट पिगमेंट है। एक्सेलेंट ब्लीड रेजिस्टेंस, गुड हीट रेजिस्टेंस, फेयर टू पुअर लाइट फास्टनेस, ठीक है। हीट रेजिस्टेंस देखिए, गुड हीट रेजिस्टेंस हमने कहा जरूर है, लेकिन 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ये कर सकता है, अर्थात इसको आप बेकिंग फिनिश तक आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग फिनिश के ऊपर जो हीट रेजिस्टेंस कोटिंग होती है उसमें आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ब्राउन कलर डिकम्पोज हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। और एक चीज और देखिए, डिकम्पोजिशन के बाद से ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। When heated to decomposition, it emits very toxic fumes of hydrogen cyanide and nitrogen oxide. ये दोनों ही highly toxic fumes हैं जो कि जानलेवा साबित होती हैं, इसलिए इसका decomposition नहीं होने देते हैं, अर्थात ये baking coating वगैरह में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। Major reasons for use, low hiding होती है, हमने पहले बताया, उसकी refractive index भी कम है, particle size भी कम है, आयलेजेशन बहुत ज़्यादा होता है फाइन पिगमेंट की वजह से, स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन होता है जिसकी वजह से हाइडिंग थोड़ी सी नजर आती है, ठीक है, हाई डिस्पर्सन आसानी से डिस्पर्स हो जाता है, सेंसिटिव टू माइल्ड अल्कली, हाँ ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ब्लू कलर जो है ये हम लोग अल्कलाइन सरफेस के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, अर्थात इसको आप वाटर बेस्ड एक्सटीरियर वॉल पेंट में या इंटीरियर वॉल पेंट में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अल्कली रेजिस्टेंस चाहिए। इसका एसिड रेजिस्टेंस तो ठीक है, अल्कली रेजिस्टेंस बहुत कमजोर है, इस ब्लू का अल्कली रेजिस्टेंस कमजोर है, अल्ट्रामेरिन ब्लू जो आगे हम बताएंगे आपको उसका एसिड रेजिस्टेंस कमजोर है, तो ये दोनों की कमजोरियाँ हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये यूज इन क्लियर कोटिंग, क्लियर कोटिंग देखिए, क्लियर कोटिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हल्का सा ब्लू स्टोन देने के लिए, क्योंकि ओपेसिटी नहीं होती है इसके अंतर्गत। मेटेलिक फिनिश में इसी की वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं, मेटल के ऊपर फिनिश देनी हो, जैसे कि आपको कॉपर के ऊपर कोई कॉपर के कोई डिजाइन बना हुआ है, उस कॉपर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उस कॉपर के डिजाइन को, तो उसके ऊपर एक हल्के से ब्लू स्टोन की एक फिनिश आप दे सकते हैं, जिससे कि वो कॉपर सल्फर के साथ मिलकर के सल्फाइड न बनाए, अर्थात ब्लैक कलर न डेवलप करे, इस वजह से कोटिंग की जाती है। इट इज हैविंग वेरी हाई टिंटिंग स्ट्रेंथ, टिंटिंग स्ट्रेंथ नेचुरली पार्टिकल साइज बहुत फाइन है, तो टिंटिंग स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होगी। ब्लीड रेजिस्टेंस इज एक्सेलेंट, ब्लीडिंग नहीं होती है, हीट रेजिस्टेंस इज गुड नॉट वेरी हाई, लाइट फास्टनेस इज पुअर टू फेयर, ध्यान दीजिएगा लाइट फास्टनेस, अर्थात एक्सटीरियर सर्फेस वगैरह में तो इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। प्रशियन ब्लू इज एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल बट ऑल्सो टेंड्स टू फॉर्म कोलाइड्स, ठीक है, इनसॉल्युबल तो होता है लेकिन कोलाइड्स बना जाता है, फाइन पिगमेंट है तो आपस में फ्लोकुलेट कर जाएंगे या एग्लोमरेट्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। मेजर रीजन फॉर इस एप्लीकेशन, पार्टिकल साइज इज क्वाइट स्मॉल, सॉफ्ट टेक्सचर, सो प्रिंटिंग में आप इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रिंटिंग प्लेट वगैरह को ये खराब नहीं करता है, सॉफ्ट टेक्सचर है। Not used in water based paint, हमने आपको बताया alkali resistance poor है, नहीं करते हैं। Prussian blue is used in carbon paper because of good write off, क्यों करते हैं, good write off की वजह से carbon paper इसको इस्तेमाल करते हैं, जब आप लिखेंगे तो fine particle वैसे ही चिपका हुआ है, जैसे ही आप लिखेंगे तो ये तुरंत transfer हो जाता है दूसरे कागज के ऊपर, इस वजह से इसको write off, अच्छा write off है इसका, ट्रांसफरबिलिटी अर्थात ट्रांसफर होने की एबिलिटी जो है इसकी अच्छी होती है। प्रशियन ब्लू इज स्ट्रांगली कलर्ड एंड टेंड्स टुवर्ड्स ब्लैक, ब्लैक की तरफ ही मूव करता है, अर्थात ये ब्लैकिश ब्लू हो जाता है एंड डार्क ब्लू जब आयल पेंट में इसको मिलाते हैं, वैसे आयल पेंट का इस्तेमाल में तो ये और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अपनी देता है। प्रोवाइड ब्रॉन्जिंग इफेक्ट, हाँ ये थोड़ा सा है मेटलिक इफेक्ट देता है, ब्रॉन्ज की तरीके, जैसे ब्रॉन्ज का कलर होता है ना हल्का सा चमक लिए हुए, एक पर्टिकुलर एंगल से आप देखते हैं तो ब्रॉन्ज में चमक आती है, तो इसको भी सूखने के बाद से कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि होली होली के दिनों में हम लोग रेड रेड डाई या
रेड कलर जब लगा देते हैं चेहरे वगैरह पर, तो सूखने के बाद से वो एक साइड से चमकती है हल्की सी, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्जिंग इफेक्ट। तो वही ब्रॉन्जिंग इफेक्ट इसमें भी होता है, अर्थात इसकी कोटिंग अगर कर दी जाए तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर देखने पर ऐसा लगेगा जैसे मेटलिक पिगमेंट इसके अंतर्गत पड़ा हुआ हो, मेटलिक लश्चर इसमें आ जाती है। कैन फेड आकर्स इन विद इन कंटेनर ड्यू टू एसिडिटी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैन फेडिंग होती है जैसे एक कंटेनर में आपने पेंट बनाया और गीली अवस्था में पेंट पड़ा हुआ है और उसको कंटेनर को आपने बंद कर दिया, आयरन ग्लू से आपने बनाया हुआ है। होता क्या है कि बहुत सारे हमारे रेजिन्स वगैरह जो होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं, जैसे कि एल्किड रेजिन वगैरह अगर आप ले लें तो थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर में और इसका एसिड रेजिस्टेंस कमजोर होता है। तो ये क्या करता है, ये उस एसिड के साथ रिएक्शन करके कंटेनर के अंदर ही इसका कलर चेंज हो जाता है, अर्थात जब आप ओपन करेंगे तो ये हो सकता है कि व्हाइट कलर में आपको नजर आए या कलरलेस नजर आए। तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं कंटेनर को, ओपन करने के बाद से जब आप स्टर करते हैं तो ये दोबारा ऑक्सीजन को ले लेता है एटमॉस्फेयर से और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और दोबारा वो कलर आ जाता है। तो ये बहुत कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन खोलने पर कभी आदमी को ये ना लगे कि साहब ये तो पेंट खराब है, ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन वगैरह में प्रशियन ब्लू इज यूज एज एन एंटीडोट फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे थेलियम वगैरह में क्लियर कोटिंग में इस्तेमाल करते हैं लो ओपेसिटी की वजह से। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट हमारा पिगमेंट आ गया क्रोम ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। इसके पहले सॉरी, यहाँ पर जो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, ये इसका क्रोमियम ऑक्साइड का यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गया है गलती से, ये क्रोमियम ऑक्साइड नहीं है, ये आपका क्रोमियम ऑक्साइड नहीं, क्रोम ग्रीन है। तो ये क्रोम ग्रीन बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ क्रोम येलो, लेड क्रोमेट एंड प्रशियन ब्लू, प्रशियन ब्लू हमने आपको ऊपर बताया और लेड क्रोमेट ऊपर बताया, इन दोनों के मिक्सचर से अर्थात ग्रीन कलर हमारा जो डेवलप हो रहा है वो येलो और ब्लू, इस येलो और इस ब्लू इन दोनों के मिक्सचर से डेवलप हो रहा है। क्रोमियम ऑक्साइड तो एक अलग पिगमेंट हो गया जिसको कि कैल्साइन करके बनाया जाता है, इसमें कैल्सिनेशन का कोई रोल नहीं है, इसमें कोप्रेसिपिटेशन या ब्लेंडिंग का रोल होता है। यहाँ पर हमने कुछ ये कलर वैसे दिखला रखे हैं, अभी हमने आपको क्रोम पिगमेंट बताया था, क्रोम पिगमेंट में देखिए ये फिंगर हो गया, ये लेमन हो गया, ये मिडिल हो गया और ये ऑरेंज क्रोम है और स्कारलेट का ये कलर आपका हो जाता है, आयरन ब्लू का ये कलर है, ये कुछ पिक्चर वैसे आपको दिखला हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल हमने बना रखा है, नीचे आप देखेंगे तो जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर आपका ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो ये दिखलाने के लिए कि क्रोम ग्रीन बनाने के लिए आप ब्लू और येलो को जब मिला देते हैं तो आपका ग्रीन कलर बन जाता है। तो क्रोम ग्रीन और क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन, ये दोनों अलग अलग पिगमेंट है, कभी कंफ्यूज मत करिएगा। क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 है और क्रोम जो ग्रीन है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेड क्रोम PbCrO4 और आयरन ब्लू का कॉम्बिनेशन है ये। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, अपीयरेंस लाइट टू डार्क ग्रीन, कैसे ग्रीनिश कलर कैसे कैसे लाइट से डार्क होता चला जाएगा, जैसे जैसे आयरन ब्लू की परसेंटेज आप बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 1% अगर आयरन ब्लू है तो ये लाइट कलर का हो सकता है और 37% तक जब चले जाएंगे तो डार्क कलर का हो जाएगा, क्योंकि ब्लू है नीला जैसे जैसे मिलता चला जाएगा येलो को डार्क करता चला जाएगा। डेंसिटी इसकी 5.40 फॉर लाइट, 4.10 फॉर एक्स्ट्रा डार्क, क्योंकि एक्स्ट्रा डार्क के अंदर आयरन ब्लू ज़्यादा है, आयरन ब्लू चूंकि लाइट पिगमेंट है इसलिए स्पेसिफिकिटी इसकी कम होती जा रही है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तीन प्रोसेस से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, एक तो है प्रेसिपिटेशन ऑफ लेड क्रोम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्लू सस्पेंशन, आयरन ब्लू पिगमेंट बना हुआ है उसको सस्पेंड कर दीजिए पानी के अंदर सस्पेंशन में रखिए और स्टरिंग करते रहिए और उसी में जो है लेड क्रोमेट को प्रेसिपिटेट करवा दीजिए, तो उसके साथ जो है इंटरमिंगल हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर डेवलप हो जाता है। एक तो ये प्रोसेस हो गया और दूसरा प्रोसेस है स्लरिंग टुगेदर द वेट आर सस्पेंशन फ्रॉम लेड क्रोम येलो एंड आयरन ब्लू पिगमेंट, दोनों की स्लरी आपके पास रखी हुई हो, लेड क्रोम की और आयरन ब्लू की स्लरी रखी हुई हो, उस स्लरी को आप मिला दीजिए, स्लरी आप समझ रहे हैं अर्थात उसका सस्पेंशन जो पानी में है
धोने के बाद से, दोनों को धोने के बाद से जो स्लरी रखी हुई या बगैर धोए उस स्लरी को आप आपस में मिला दीजिए, मिलाने के बाद वो ग्रीन कलर डेवलप हो जाएगा, तो उसको फिर आप वॉश कर दीजिए, फिल्टर कर दीजिए, ड्राई करके आप इसको पल्वराइज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक ये ड्राई ब्लेंडिंग होती है, ड्राई ब्लेंडिंग का मतलब दोनों ड्राई पिगमेंट आप ले लीजिए, ड्राई पिगमेंट को लेकर एक बॉल मिल में या इसी प्रकार की कोई मिक्सिंग में, मिक्सिंग मिल के अंदर डाल करके दोनों पिगमेंट को जब हम लोग चलाते हैं तो दोनों पिगमेंट आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं, काफी पार्टिकल लेवल के ऊपर इनके अंदर मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए वो ग्रीन कलर आपको नजर आने लगते हैं। ये आपका क्रोम ग्रीन जो होता है, क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन से काफी ब्राइट होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन के अंदर बहुत अच्छी हाइडिंग नहीं होती, हाइडिंग ठीक है, मतलब टिंटिंग स्ट्रेंथ उसका बहुत अच्छा नहीं होता है और कलर जो होता है थोड़ा सा डल होता है, यहाँ पर कोई चीज नहीं है। यहाँ पर क्योंकि क्रोम भी आपका ब्राइट है और आयरन ब्लू भी ब्राइट है, तो इसलिए दोनों ब्राइट पिगमेंट मिल करके ये ब्राइट ग्रीन कलर यहाँ पर डेवलप करते हैं। इनऑर्गेनिक कैटेगरी में ये एक ग्रीन, ब्राइट ग्रीन कलर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोटिंग, फ्लडिंग, इन सबों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जिसको कि ध्यान देना पड़ता है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। गुड हाइडिंग की वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं, टिंटिंग भी अच्छी होती है, अल्कली रेजिस्टेंस इसका पुअर होता है क्योंकि इसमें आयरन ब्लू पड़ा हुआ है, आयरन ब्लू का अल्कली रेजिस्टेंस कमजोर है, इसलिए इसका अल्कली रेजिस्टेंस कमजोर है। एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि आयरन ब्लू की एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है, लो कास्ट का ये हो जाता है, क्योंकि अगर ग्रीन पिगमेंट आप ऑर्गेनिक में लेंगे तो वो कास्टली आपके काफी पड़ जाते हैं, तो कम कास्ट पर आपको ये मिल जाता है कंपेयर टू ऑर्गेनिक पिगमेंट। मैसनरी सर्फेसिस पर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, वाटर बेस्ड सिस्टम में जो कि दीवारों वगैरह पर पेंट जो लगाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं पुअर अल्कली रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पिगमेंट आपका आ गया अल्ट्रामरीन ब्लू। अल्ट्रामरीन ब्लू डीप ब्लू कलर होता है, इसको आप नील समझिए, जो नील का कलर आप देखें, पहले एक पाउडर नील आती थी, अभी भी आती है, ड्राई पाउडर की नील आती है, वो नील कलर जो होता है वो इसमें अल्ट्रामरीन ब्लू का ही वो कलर होता है। ये देखिए कितना कॉम्प्लेक्स इसका कंपोजिशन है, इसमें सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, सिलिका भी है, ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। अब इसमें देखिए नीचे जो लिखा हुआ है, सोडियम कैन वेरी फ्रॉम 6 to 8, ये जो सोडियम का जो है 6 एटम से लगा है 8 एटम तक वेरी कर सकता है, और साथ ही ये 2 से लेकर 4 तक सल्फर वेरी कर सकता है। तो जैसे जैसे इस ये दोनों चीजें ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये 2 से 3 होगा और ये 6 से 7 होगा, वैसे वैसे कलर जो है वो चेंज होता चला जाता है, फ्रॉम लाइट टू डार्क ब्लू में चेंज होता चला जाता है, ठीक है। इसका ये अलग अलग उसमें दे रखा है जो ये कैसे आया, लेटिन अल्ट्रामरीन बियॉन्ड द सी इंपोर्टेड फ्रॉम माइंस, वहां से ये आपका आया था यूरोप वगैरह से, अफगानिस्तान के द्वारा यूरोप से आया था टू यूरोप बाय इटालियन ट्रेडर्स, इन लोगों ने इसको इंपोर्ट किया था, उस समय ले गए थे 14वीं 15वीं शताब्दी से ये चला आ रहा है, ये पिगमेंट बहुत पुराना पिगमेंट है, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन दे रखा है, ये स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ यहाँ पर। ये वैसे यहाँ पर देखिए आप इसको केमिकल फार्मूला, सोडियम 6, जैसे जैसे सोडियम बढ़ता चला जाता है, लाइट मीडियम डार्क ये कलर भी चेंज होता चला रहा है, सल्फर 2, 3, 4 जैसे ये बदल रहा है वैसे ये भी आपको बदलते हैं। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें O2 दिखलाया हुआ है, O2 नहीं है ये, इनफैक्ट O24 है, ठीक है, ये सभी में O24 है। देखिए यहाँ पर O24 है, यहाँ सही है, इसमें ये गलती से O2 आ गया है, इसको आप O24 समझिएगा। ये आपका केमिकल कंपोजिशन है, परसेंटेज दे रखा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी देखिए इसकी आयरन ब्लू से ज़्यादा है लेकिन वैसे कम है अल्ट्रामरीन ब्लू की। आयल एब्जॉर्प्शन इसकी आयरन ब्लू से कम है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखिए इसका कितना कम है, 1.51, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ योर एक्सटेंडर, एक्सटेंडर के आसपास इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अर्थात जो पिगमेंट के अंदर हाइडिंग न के बराबर है, हाइडिंग नहीं देती, केवल अपनी कलर की वजह से जो थोड़ा बहुत हाइडिंग आती है वही आती है, बाकी की हाइडिंग नहीं देता है ये। ब्राइटनेस बहुत अच्छी इसकी होती है, टिंटिंग स्ट्रेंथ फेयर टू पुअर, हाइडिंग इज पुअर, ब्लीड रेजिस्टेंस अच्छा है, ये सब प्रॉपर्टीज अच्छी है। इसमें देखिए एसिड रेजिस्टेंस इसका कमजोर है, अल्कली रेजिस्टेंस अच्छा है,
आयरन ब्लू का अल्कली रेजिस्टेंस कमजोर था, एसिड रेजिस्टेंस अच्छा था, और इसका अल्कली रेजिस्टेंस अच्छा है, एसिड रेजिस्टेंस कमजोर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी वजह से इस पिगमेंट को आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब वो वाइट वॉश करने के लिए जब आप लोग बुलाते हैं किसी भी उसको पेंटर वगैरह को, तो वो क्या करता है, वो आपसे ये कहता है कि सब थोड़ा सा नील दे दीजिए, वो उसके अंदर वाइट वॉश के अंदर अर्थात चूना जब आप घोलते हैं पानी में तो उसमें थोड़ी सी नील डाल देता है। देखिए चूना हाईली अल्कलाइन है, उस अल्कलिनिटी को ये नील बर्दाश्त कर लेती है, वो नील डाल देने से उस सफेद चूने के अंतर्गत अगर हल्का सा पीलापन भी है या ऑफ वाइट भी है तो नील की वजह से उसमें एक ब्राइटनेस एक चमक सी आ जाती है, तो उस चमक के लिए उसका इस्तेमाल ये करता है ये इसके अंतर्गत। इसी प्रकार कपड़ों में जो नील हम लोग देते हैं तो कपड़ों में जो व्हाइट कपड़ों में सफेद कपड़ों में देते हैं तो कपड़ों में हल्का सा जो पीलापन होता है उसको खत्म करने के लिए हम लोग नील का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये जो है बेसिकली इन्हीं सब पर्पज के लिए ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। तो इसको वाटर बेस्ड पेंट में आप एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी अच्छी है तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेशली जो सीलिंग वगैरह में जो व्हाइट कलर लगता है आमतौर पर सीलिंग में व्हाइट ही लोग लगाते हैं उसमें इसको मिला करके इसको लगाएं तो एक अच्छी ब्राइटनेस देती है, कमरे में लुक अच्छा देता है। तो लाइट फास्टनेस एक्सेलेंट है, आउटसाइड ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, दीवारों पर बाहर आप लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, पीएच इसका अल्कलाइन ऑलरेडी अल्कलाइन पीएच है इसीलिए इसका अल्कली रेजिस्टेंस अच्छा है। ठीक है, इसको बनाने के तरीके में देख लीजिए आप इसमें कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ये अलग तरीका है, इसको कैल्साइन करके बनाया जाता है, चाइना क्ले, सल्फर, सोडा ऐश, सोडियम सल्फेट, कार्बन के ध्यान दीजिएगा कार्बन, पिच, चारकोल और रोजिन। ये कार्बन, पिच, चारकोल, रोजिन ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जलते भी हैं और किसी भी मटेरियल को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं। और सिलिका, इतने सारे मटेरियल को लेकर के आपस में सबसे पहले चाइना क्ले को गर्म कर देते हैं, कैल्साइन करते हैं, कैल्साइन कर देने से एक्टिवेट हो जाता है ये चाइना क्ले, और उसके बाद से इसमें सल्फर मिला देते हैं और बाकी के सब मिला करके और इसको ग्राइंड करते हैं, एक मिल में सब बढ़िया से ग्राइंड कर देते हैं पाउडर फॉर्म में मिला करके, फिर इसको क्रूसबिल में लगा देते हैं। क्रूसबिल आप लोग समझ रहे होंगे, मफल फर्नेस के अंदर क्रूसबिल रख जाती है, क्रूसबिल को आप दूसरा आप शेप में आप समझना चाहे तो ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग दुर्गा पूजन वगैरह पर जो गेहूं वगैरह जो हम लोग रोकते हैं, ज्वार वगैरह जो रोकते हैं, तो उसके अंतर्गत जो बाउल लेते हैं, जो बाउल शेप में होता है, उस तरीके की क्रूसबिल होती है, तो क्रूसबिल थोड़ा सा गहरी क्रूसबिल लेकर के और उस गहरी क्रूसबिल में इस पाउडर को हम लोग करीब 85-90% तक उसको फिल कर देते हैं पाउडर को क्रूसबिल में। उसके बाद से उस क्रूसबिल को हम लोग एक फर्नेस के अंतर्गत लगा देते हैं, जब फर्नेस ठंडा रहता है, जैसे अगर आपको ध्यान हो कि जो ईंटों की भट्टी होती है जहाँ पर ईंटें पकाई जाती हैं, तो ईंटों को पहले सजा दिया जाता है, तो जब ईंटों को सजाते हैं तो इस तरीके से रखते हैं ताकि हर एक ईंट के चारों तरफ खुला स्पेस रहे जिसमें कि फायर जा सके। उसी प्रकार जब हम लोग क्रूसबिल को सजाते हैं तो इस तरीके से क्रूसबिल को रखा जाता है ताकि एक के ऊपर एक क्रूसबिल रखी जा सके और वो क्रूसबिल के बीच में गैप हो जिससे कि फायर भी जा सके। तो उसको पूरा रखने के बाद से भट्टी में और उसके बाद से उसमें फायर देते हैं, तो 780। पूछो पूछो, कोई सवाल है? नहीं, अच्छा, तो 750-800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उस भट्टी के अंदर इसको जब इसको गर्म किया जाता है तब इसके अंदर आपस में ये मिक्सचर जो है गर्म होकर के कन्वर्ट हो जाता है आपका अल्ट्रावेरिएंट ब्लू में, और इसका देखिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद से इसको वॉश कर देते हैं, वॉश करने के बाद से इसको फिर ड्राई किया, ड्राई करने के बाद से पल्वराइज करके आप इसको यूज में ले सकते हैं। इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वेयर परमानेंस ब्रिलियंसी एंड अल्कलीन स्टेबिलिटी आर ऑफ इम्पॉर्टेंस, वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं।
इसको प्रिंटिंग इंक में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिस्ट कलर जो पेंटिंग पेंटर वेंटर जो कलर का इस्तेमाल कर सकते करते हैं उसमें आप कर सकते हैं, टेक्सटाइल में प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं और टेक्सटाइल में कलर वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। अल्कली रेजिस्टेंस अच्छा होता है इसलिए इसको वाटर पेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोप्स और सोप रेपर्स में जो नीले रंग की आप लोग सोप देखते हैं ना, सोप बट्टी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आप लोग देखते होंगे रिम बार वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, नीले रंग की होती है तो उसमें जो नीला कलर होता है वो इससे आपको मिलता है अल्ट्रामेरिन ब्लू से, क्योंकि इतना स्ट्रांग अल्कलिनिटी और कोई कलर जल्दी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, तो इसका हम लोग डालते हैं। तो सोप्स में और सोप रैपर्स में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और लाउंड्री ब्लू, लाउंड्री वगैरह में जो ब्लू कलर देना होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लोर कवरिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाइट पेंट को व्हाइटनिंग देने के लिए, अर्थात नीला कलर हल्का सा व्हाइट पेंट की ब्राइटनेस बढ़ाता है इसलिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्रामेरिन ब्लू इज हाइड्रोफिलिक इसलिए बहुत आसानी से डिस्पर्स हो जाता है किसी भी सिस्टम में। इट कैन बी मिक्स विद द सीमेंट और उसमें जो है सोडियम आयन विद कैल्शियम एंड बिकम वाइट अल्ट्रामेरिन। अगर कैल्शियम सीमेंट के अंदर इसको मिलाएंगे तो ये रिप्लेस कर देगा, उसके सोडियम आयन को रिप्लेस कर जाता है जिसकी वजह से ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है। इसलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कैल्शियम सीमेंट में इसको नहीं मिलाते हम लोग। यूज्ड इन बेकिंग, बेकिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ए ट्रांसपेरेंट इन ऑयल पेंट एंड ओपेक इन वाटर पेंट, हैज आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंसी और क्लीनलीनेस। तो आयल पेंट में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, वाटर पेंट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वाटर पेंट में बाइंडर कम अवस्था में होता है इसलिए आपको ड्राई हाइडिंग कह लीजिए या ओपेक कैरेक्टर आपको वहां से मिल जाता है। नेक्स्ट आपका पिगमेंट आ गया कैडमियम पिगमेंट। कैडमियम थोड़ा सा टॉक्सिक तो है लेकिन ये भी पिगमेंट वैसे अच्छा, और इसमें भी रेंज आपकी वैसे ही है जिस प्रकार से आपने क्रोम में देखा था, लाइट ग्रीनिश येलो मरून कलर तक ये जाता है। इस प्रकार इसमें भी ब्रिलियंट शेड्स आपके येलो ऑरेंज रेड मैरून ये सब कलर आपको मिल जाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से इसको बनाया जाता है, कैडमियम थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर में होता है, हाई टेम्परेचर पर कैल्सिनेशन के द्वारा बनाया जाता है। क्रोम जो पिगमेंट थे वो कैल्सिनेशन से नहीं बनते हैं लेकिन कैडमियम पिगमेंट जो है ये आपके कैल्सिनेशन से बनाए जाते हैं। ये देखिए इसमें ये रिएक्शंस जैसे दिखा रखे हैं, कैडमियम क्लोराइड और बेरियम सल्फाइड इन दोनों का सोल्यूशन आपका बन जाएगा। वाटर में ये भी सॉल्युबल है, वाटर में ये भी सॉल्युबल है, दोनों के प्रेसिपिटेट कैडमियम सल्फाइड आ गया। एडिशन ऑफ स्लाइट जिंक क्लोराइड मूव कलर टूवर्ड्स ग्रीनिश एंड लाइटर, अगर थोड़ा मिला हुआ हो तो ग्रीनिश शेड दे देगा, लाइटर शेड दे देगा। जैसे उसमें आपका वहाँ पर आपने लेड सल्फेट बनाया था जो कि आपको ग्रीनिश शेड दे रहा था एल्यूमिना के प्रेजेंस में, उसी प्रकार यहाँ पर जिंक अगर क्लोराइड मिला हुआ है तो ये आपको ग्रीनिश शेड दे देगा, प्रिमरोज या लेमन टाइप का ये आपको बना देता है। इसको आप फिल्टर कर लेते हैं और फिर 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको कैल्साइन किया जाता है इस प्रेसिपिटेट को, ठीक है, तो वहां पर ये शेड डेवलप करना चालू करता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन फॉलोड बाई कैल्सिनेशन, इसमें ये दोनों प्रोसेस लगते हैं उससे ये बनाया जाता है। तो ये इसके बनाने के तरीके हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं जिसमें डेंसिटी देखिए, इसकी भी अच्छी डेंसिटी है क्रोम की तरीके से, आयल एब्जॉर्प्शन, पार्टिकल साइज ठीक है इसका, एक्सेलेंट हीट रेजिस्टेंस, वो तो आपको पता ही है जो भी कैल्साइन करके जो भी पिगमेंट बनेंगे उनके हीट रेजिस्टेंस अच्छे होते हैं। अल्कली रेजिस्टेंस भी इसका सेटिस्फैक्ट्री है, इमल्सन में इमल्सन पेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दीवारों पर जो हम लोग इमल्सन पेंट लगाते हैं। एसिड रेजिस्टेंस इसका पुअर होता है, वो एक इस पिगमेंट के एप्लीकेशन को लिमिट करता है, अर्थात हर जगह आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉइस्चर के द्वारा ये अटैक हो सकता है। टॉक्सिसिटी, पोटेंशियल टॉक्सिसिटी ड्यू टू कैडमियम कंटेंट, ये अच्छी खासी टॉक्सिसिटी है। डिस्पर्शन इसका आसान है, हाइडिंग इसकी अच्छी है, लाइट फास्टनेस अच्छी है, टिंटिंग स्ट्रेंथ इसकी कमजोर है, ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, स्पेशलाइज एप्लीकेशन में ही केवल हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सब्स्टिट्यूट अपने पास कई पिगमेंट हीट रेजिस्टेंस की वजह से आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग
थोड़ा सा यूज करते हैं, लेकिन अगर हीट रेजिस्टेंस में दूसरे पिगमेंट हैं तो हम लोग उसको प्रीफर करेंगे कैडमियम की वजह से, जहरीलेपन की वजह से। देखो ये प्लास्टिक में भी इसका इस्तेमाल होता है और स्पेशल कैटेगरी पेंट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल है, लेटेक्स में, एक्रिलिक पेंट वगैरह में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सिरेमिक और ग्लास वगैरह में जो भी कैल्साइन पिगमेंट है उन सबों का आप लोग सिरेमिक और ग्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। द यूनिक एबिलिटी ऑफ हाईली स्टेबल कैडमियम पिगमेंट टू विथस्टैंड हाई प्रोसेसिंग, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सिरेमिक ग्लेज ये कलर रेंज अलग अलग होने से, जो शीशे के गिलास होते हैं या शीशे के आपके बाउल होते हैं या शीशे में कभी कलर देना होता है तो उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट कलर ये प्रोवाइड कर देते हैं यूथ के अंदर। इन ट्रांसपेरेंट ग्लासेज द कैडमियम पिगमेंट पार्टिकल्स आर कोलाइडली डिस्पर्स टू प्रोड्यूस द कलर्स बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका इस्तेमाल कह सकते हैं कि ग्लास के जो डिजाइन वगैरह की जो भी चीज़ें बनती है, शीशे की जो भी बनती है, जैसे फिरोजाबाद वगैरह में शीशे का काम काफ़ी होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसका विशेष इस्तेमाल है, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए इसके अंतर्गत क्योंकि ये टॉक्सिक पिगमेंट है। तो हमारा यहाँ पर इनऑर्गेनिक पिगमेंट इसके साथ ही ख़त्म हो रहा है और हम समझ रहे हैं कि हमारा करीब सिलेबस भी अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को कुछ पूछना हो इसके अलावा भी तो हमसे कभी भी व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकता है, मेल के जरिए पूछ सकता है। जब व्हाट्सएप पर डाल देगा मैसेज, जब हम खाली होंगे हम उसकी रिप्लाई दे देंगे और इस पर डिस्कशन हम लोगों का चालू रहेगा। आप लोग पढ़िए, पढ़ने में जो कुछ भी पूरा इनऑर्गेनिक पिगमेंट में या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको कहीं भी कोई डाउट हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आज कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, पूछना था कि पिगमेंट के जो शेड्स होते हैं वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? देखो पहली बात तो ये है कि कलर को पहले ध्यान से तुम समझ लो, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कलर जो होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब तुम ये समझो कि किसी भी कलर, कोई भी पिगमेंट को तुम अगर उसका शेप या आयन या क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर ये चेंज करते हो जिससे कि उसके द्वारा रिफ्लेक्ट की हुई लाइट बदल जा रही है तो निश्चित रूप से उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम तुम्हें बताएं, येलो ऑक्साइड में Fe2O3H2O है, ठीक, तो वो येलो कलर है, ठीक है, H2O की वजह से उसका एसिकुलर शेप हो गया। अब जब हम लोग उसको गर्म करके जब H2O निकालते हैं तो उसका हल्का सा स्फेरिकल या नोडुलर शेप लेना चालू होता है, तो उस समय वो रेड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, तो वहां पर वो हल्का सा ऑरेंज नजर आएगा। और जैसे जैसे हम लोग उसको कैल्साइन करते चले जाएंगे उसका शेप नेडुल और टुवर्ड्स नोडुलर की तरफ जाएगा, अर्थात स्फेरिकल भी हो सकता है, वो इतना गोलाकार हो सकता है और ये हाई टेम्परेचर के साथ होना चालू होगा। तो शेप चेंज हुआ, तो जब शेप चेंज हो गया तो उसका वहां पर कलर चेंज हो गया। तो ये शेप की वजह से हो सकता है चेंज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है और आयन की वजह से हो सकता है। जैसे कि तुमने अल्ट्रामेरिन ब्लू में ही देखा था, हमने बताया था कि सोडियम के आयन चेंज हो रहे हैं और उधर सल्फर के आयन चेंज हो रहे हैं, तो जैसे जैसे सोडियम और सल्फर के आयन बढ़ते चले जा रहे हैं उसका कलर डार्क साइड में बढ़ता चला। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब है कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो वो रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर तुम्हें दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था कि कैल्सिनेशन प्रोसेस जो होता है सर वो कार्बोनेट और हाइड्रेटेड प्रोसेस के लिए होता है ओर्स के लिए? कार्बोनेट नहीं, अब इसमें तो फेरस कार्बोनेट को तुम कैल्साइन कर रहे हो तो भी वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में। हाँ सर वही पूछना था। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ये तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि फेरस कार्बोनेट में तुम उसको इस्तेमाल करो और फेरस सल्फेट में तुम इस्तेमाल करो, आयरन का केस लोगे तो इन दोनों में ही ये कैल्सिनेशन प्रोसेस तुम्हारा आ रहा है, और ब्लैक ऑक्साइड में तो ना तो कार्बोनेट है ना सल्फेट है। जैसे सर कैडमियम 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 पिगमेंट्स में भी आ गया था कैल्सिनेशन, हाँ, और उसमें कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स होते नहीं है। नहीं तो वही तो कह रहे हैं, तो कार्बन जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है
उनको तुम कार्बोनेट और सल्फेट के वजह से लिमिट नहीं कर सकते हो। ये तो वेरी करेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर ना, कि कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, क्या शेप ले रहा है वो, और क्या वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे रहा है, क्या वो रिफ्लेक्शन दे रहा है, किस कलर में डेवलप हो रहा है वो, ये तो उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग इसको बना कैसे रहे। जैसे अल्ट्रा मेरिन ब्लू को तुम इतने हाई टेम्परेचर पर ले जाते हो, आयरन ब्लू को तुम प्रेसिपिटेशन में ले जाते हो, कैडमियम को तुम इतना हाई टेम्परेचर पर ले जाते हो, और क्रोम को तुम प्रेसिपिटेशन से बना लेते हो, टिटेनियम डाइऑक्साइड को भी तुम इतना हाई टेम्परेचर पर ले जाते हो। तो ये तो उस पिगमेंट को बनाने के लिए हमें किस चीज की कितनी आवश्यकता है वो हम लोग उतना देते हैं। ओके सर। हाँ, तो ये किसी किसी साल्ट के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन लास्ट ये था कि कार्बन ब्लैक का जो फॉर्मुलेशन करते हैं, तो अगर मैं दो वर्जन ले रहा हूँ, एक लूज और एक बीडेड वर्जन ले रहा हूँ, तो सर उनके फॉर्मुलेशन में एक सर लूज वर्जन और बीडेड वर्जन, लूज वर्जन और बीडेड, बीडेड सर बीडेड बी ई ए डी ई डी। ठीक है ठीक है, एक पाउडर फॉर्म में ले रहे हो? यस सर। तो हाँ सर, तो सर इन दोनों के जो फॉर्मुलेशन करेंगे तो डिफरेंस क्यों आता है, जबकि हम पिगमेंट तो सेम ले रहे हैं, जैसे कि बीडेड वर्जन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है व्हीकल के थ्रू पूरा, लेकिन लोसेस वर्जन पे सर पूरा एड्सॉर्प्शन होता है, तो डिफरेंस क्यों आता है सर? नहीं नहीं, ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डिफरेंस आता है? सर ये मैंने पढ़ा था सर। नहीं देखो, ऐसा होता है जो बीड बनाया जाता है, अगर वो बीड बनाने में उसने आयल यूज किया होगा, समझना ध्यान से, जैसे कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि आटे के अंदर तुम थोड़ा सा आयल डाल करके उसके बीड बना लो, अगर yes, तुम ऐसे बीड बना लिए तो आयल ऑलरेडी जो है पिगमेंट के पोर्स में जा चुका है, yes, तो आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू वो उसकी कम कर सकता है। या जैसे स्टेरिक एसिड तुमने डाल दिया, स्टेरिक एसिड तुम्हारा थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वैक्स की तरीके से होता है, ठीक है, तो अगर तुमने स्टेरिक एसिड डाल दिया तो स्टेरिक एसिड इज अ वेरी गुड सरफेस ट्रीटिंग एजेंट, पिगमेंट के सरफेस को मॉडिफाई करता है स्टेरिक एसिड, तो अगर उससे तुमने बीड बनाया है तब उसकी प्रॉपर्टी में अंतर आएगा। अदरवाइज नॉर्मल तौर पर अगर केवल वाटर से ही लेकर के तुमने बीड बना दिया तो जैसे ही तुम उसको मिल में डालोगे तो वो तो बिखर जाएगा, वो तो उसमें अंतर नहीं आएगा। उसमें ध्यान से तो पढ़ो लिटरेचर में और क्या दे रखा होगा, अगल बगल जरूर कुछ दे रखा होगा कि बीड कैसे बनाया हुआ है, ये पहले समझो। सर मैंने जो पढ़ा था वो एग्जैक्ट लाइन ये थी, व्हेन फॉर्मुलेटिंग द कार्बन ब्लैक्स इज दैट डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन द लूज एंड बीडेड वर्जन ऑफ सेम पिगमेंट, विद बीडेड कार्बन्स द व्हीकल कैन क्विकली वेट एंड पेनिट्रेट द बल्क कार्बन मास एंड दिस अवॉइड द इमीडिएट विस्कोसिटी बिल्डअप, लूज ब्लैक रैपिडली एब्जॉर्ब्स मच ऑफ द व्हीकल विद द पॉसिबिलिटी ऑफ। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये जो सेंटेंस तुम पढ़ रहे हो इसमें बीडेड वर्जन में क्या है, क्योंकि वो कोर्स अर्थात उसका शेप थोड़ा सा बदल गया, वो एक बड़ा मॉलिक्यूल yes, आ गया, तो जैसे ही तुम उसको डालोगे किसी भी बाइंडर में वो अंदर साइड में चला जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा, yes, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हाँ। इसलिए वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जो तुम्हारा पाउडर फॉर्म है, पाउडर फॉर्म को सरफेस के ऊपर उसमें एयर है, उस पाउडर फॉर्म के जो पोर्स है उस पोर्स में एयर है, उस एयर में बाइंडर का घुसना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसके पाउडर फॉर्म को डिस्पर्शन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो विस्कोसिटी को नहीं बढ़ा पाता है, वही वो बात कह रहा है, कंसिस्टेंसी वो जो है बीडेड फॉर्म कंसिस्टेंसी तुरंत बढ़ा देता है। यस ओके सर। हाँ वो ये वजह है, ये क्योंकि एयर को निकालने के लिए तो मिलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पोर्स बहुत महीन पोर्स हैं, कैपिलरी टाइप के छोटे छोटे बहुत महीन पोर्स हैं जिसमें एयर इंट्रैप है या मॉइस्चर इंट्रैप है, और वहां से एयर और मॉइस्चर को तुम नहीं निकाल पाओगे इतनी आसानी से बाइंडर के द्वारा या सॉल्वेंट के द्वारा, इसलिए जो है उसके डिस्पर्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके सर, ओके सर, नहीं सर बस ये पूछूंगा। कोई और पूछना चाहेगा कुछ? ठीक है, तो लेट अस फिनिश इट। ओके, थैंक यू सर।